Hey guys, Elmer Sight from KGV Suit Indoor. बहुत बढ़िया है, चलो कोई बात नहीं, अबे गवारो, आओ बस 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 बस. अभी आज अपन क्या शुरू करने वाले हैं, आज अपन स्टैटिस्टिक्स शुरू करने वाले, एकदम सीरियस में, एकदम बहुत गम में रहना है सभी को. चलो आज अपन शुरू करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स को बेसिक से शुरू किया जाएगा, रिटर्न. अभी हम लोग ये थोड़ी सी बात बता दो, जितने भी लोग वर्चुअल में या फिर पेनड्राइव में देख रहे हैं, ये हमारा पूरा न्यू शूट होने वाला है. स्टैटिस्टिक्स का पूरा कंप्लीट नया शूट होने वाला है. रीज़न बिहाइंड इट क्या होगा, इसके पीछे दो तीन रीज़न है. सबसे पहला रीज़न, इस पूरे के पूरे जो वीडियो होगी, इसमें मैं आप लोगों को पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, जो अपने पास दो ईयर के, जो लास्ट ईयर मई 2018 और नवंबर 2018, इन दो के पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे. चैप्टर होगा और उसके बाद उसका पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन होगा, तो उससे पूरा टेंशन खत्म. साथ ही साथ MTP जो है, मॉडल टेस्ट, जो MTP ICI लेके आता है मॉक टेस्ट पेपर, उसके भी कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि अच्छी लेवल के होंगे. रीज़न बिहाइंड इट क्या होता है, अपने को जो स्टैटिस्टिक्स है ना, स्टैटिस्टिक्स में सबसे बड़ा लोचा दो तीन है. पहला लोचा जो है वो ये है कि अपने को मॉड्यूल में 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी देख रखा है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी देख रखा है, जिन्हें कभी भी ध्यान नहीं देना है. उन 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के एक एक दो दो प्रकार के क्वेश्चन अपन अपने क्लास में सॉल्व कर लेंगे. मगर अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि वो अपन सारे क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करने वाले, तो बिल्कुल नहीं करने वाले. रीज़न बिहाइंड इट, क्या आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है क्या? नहीं आने वाला. क्या 2 मार्क्स का आने वाला है क्या? नहीं. तो हमारे लिए मेन काम की चीज़ क्या है? सेट ए. बट हम लोग क्या करेंगे, मेरा थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स पे जब बात आती है ना, तो मेरा मॉड्यूल पे थोड़ा सा ट्रस्ट कम है. रीज़न बिहाइंड इट, मॉड्यूल में कंटेंट बहुत ज़्यादा देके रखा हुआ है, लेकिन काम का कंटेंट कम है, पहली बात. दूसरी बात, जो क्वेश्चन, जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन आपकी मॉड्यूल में अवेलेबल नहीं है. तो इसलिए कुछ क्वेश्चन जो मैं अलग से करवाऊंगा, वो मैं करवाऊंगा. अलॉन्ग विद दैट, मैं आप लोगों को पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा. आई थिंक पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा रिलेवेंट है रेदर देन मॉड्यूल. ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यार वो तो वो क्वेश्चन है जो ICI पूछता है या पूछना चाहता है या जो पूछ चुका है, तो हम लोग उन क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे. अलॉन्ग विद दिस, थोड़ा ज्ञान हो गई, एक मिनट के लिए बता देता हूँ. नहीं है तो 100 मार्क्स का पेपर है, 40 मार्क्स का मैथमेटिक्स है, 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स और 20 मार्क्स का LR है. जिसका मैथ्स खराब है उसका स्टेट्स अच्छा है, और स्टेट्स तो मेरे सबसे सभी का अच्छा होता है, क्योंकि 40 में से 40 में से अराउंड 25 मार्क्स की आती है थ्योरी, और 25 में से 18 से 20 मार्क्स की थ्योरी अपन क्या डायरेक्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. ये बात मैं बता चुका था, अभी एक और बार हाईलाइट कर देता हूँ, वापस एकदम क्लियर चीट बोल रहा हूँ. उन लोगों ने अगर नहीं सुना, भाई ध्यान से सुनना. स्टैटिस्टिक्स की क्लास में आपकी नज़र हटी, दुर्घटना घटी, कोई भी लेफ्ट या राइट में नहीं देखेगा, सब कहाँ देखेंगे? बोर्ड पे. एकदम ध्यान, एकदम मंथन के साथ, क्योंकि सर स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी ज़्यादा पूछी जाती है, और हम लोग उस प्रकार की थ्योरी को बहुत ज़्यादा हद तक जो है क्लास में डिस्कस कर लेंगे. टोटल 25 मार्क्स की थ्योरी आती है, उसमें से मैं कोशिश करता हूँ कि यार 18 से 20 मार्क्स की जो थ्योरी है वो डायरेक्ट क्लास में से ही आ जाए. आपके पास टोटल 6 चैप्टर हैं, उन सारे चैप्टर्स को अपन धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे. अभी शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि है स्टैटिस्टिक्स थ्योरी. एक मिनट के लिए अगर वेटेज का थोड़ा सा ज्ञान दे दूँ, तो अपने पास यहाँ पे मैं इसलिए ओपन मैंने कर लिया है, देख लो भाई, ये स्टैटिस्टिक्स है. आपके पास टोटल मिला के 6 चैप्टर हैं. फर्स्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स थ्योरी, जो कि डिस्क्रिप्टिव डाटा है. इसमें अपने को पूरा का पूरा ज्ञान मिलता है कि भाई स्टैटिस्टिक्स है क्या, या फिर स्टेट्स को किस तरीके से डील किया जाता है. सेकेंड चैप्टर है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन. भाई बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं मीन मीडियन मोड. ये जो मीन मीडियन मोड बचपन में पढ़ा था ना, वो आज भी काम आने वाला है, तो उसकी रिलेवेंसी आ जाएगी अपने चैप्टर नंबर 15 में. 16 प्रोबेबिलिटी, बचपन से पढ़ा हुआ हर किसी ने, देखो याद आ रहा है ना, 6, 7, 8, 9, 10 में लास्ट चैप्टर होता था चैप्टर नंबर 14 और 15, एक होता था प्रोबेबिलिटी, एक होता था स्टैटिस्टिक्स. तो वो जो बचपन से चैप्टर है ना, वो आज भी अपने साथ है. फिर चैप्टर है चैप्टर नंबर 17, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे कहा जाता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एक एक्सटेंडेड वर्जन है कौन से चैप्टर का, प्रोबेबिलिटी का. तो हम लोगों को उसको भी डिस्कस करना है. सिर्फ ये अकेला चैप्टर है जिसको हो सकता है आपने आज तक जिंदगी में ना सुनाओ, पर उसे भी हम लोग अच्छे से देखेंगे. 18 चैप्टर है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जो आप लोग डिमांड एंड सप्लाई पढ़ते हो, डिमांड पॉजिटिव है नेगेटिव है, सप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी भी चीज़ की सप्लाई के लिए क्या सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही मैटर करता है क्या? नहीं सर, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है. अच्छा देखो, डिमांड है, उसके अलावा जो सीज़न है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठंड में क्या लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पियेंगे क्या? ऑब्वियसली बातें नहीं पियेंगे, तो क्या उसकी ऑब्वियसली बातें डिमांड कम हो जाएगी क्या? अब
इतनी सारी चीजें वेरी करती है किसी भी चीज की डिमांड और सप्लाई में जो अथा है, मतलब उसके बारे में कोई रिलेशन की आज तक आपने इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा है, उन सारे रिलेशंस को अपन पढ़ेंगे को रिलेशन एंड रिग्रेशन में, जिसमें हम लोग डिफाइन करेंगे कि आप किस प्रकार के रिलेशंस हो सकते हैं, क्या उनके बीच में रिलेटिविटी, मतलब डीप में जाकर डिस्कस होगा को रिलेशन एंड रिग्रेशन में। उसके बाद आता है इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज। इंडेक्स नंबर में हम लोग बहुत छोटा सा डिस्कस करेंगे जो कि होगा, छोटा सा बात बताता हूँ, हर किसी ने एक बार तो अपनी मम्मी के मुंह से सुना ही होगा, बेटा हम तो 10 रुपए में ये कर लेते, तुम 10 रुपए में कुछ नहीं कर पाते हो। मतलब मेरी मम्मी का फेवरेट अलग था, 60 रुपए में मेरे को, मतलब मेरी मम्मी ऐसा बोलती थी, मुझे हमें घर से 60 रुपए मिलते थे पूरे साल की पढ़ाई करने के लिए, और 60 रुपए में वो अपने पूरे साल की पढ़ाई भी करते थे और पैसे बचा भी लेते थे। टैलेंट, और अपने जैसे लोग क्या है, अरे 60 रुपए में मतलब गर्लफ्रेंड को ले जाओ कॉफ़ी पिलाने तो उसकी कॉफ़ी आएगी, तुम्हारे हिस्से की कॉफ़ी भी नहीं आएगी, मतलब इतनी, हाँ आ जाएगी क्या, तुम्हारी भी कॉफ़ी आ जाएगी क्या, ये जितने लोग नहीं बोल रहे बस ये एक्सपीरियंस बैठे हुए। चलो अब कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट बहुत छोटा सा है, हमें समझ गया कौन पिया है किसने नहीं है। अब इंडेक्स नंबर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बेस ईयर और एक करंट ईयर को देख के ये पता लगाएंगे कि कितने परसेंट इन्फ्लेशन हुआ है, या फिर जो भी चेंजेस हुए हैं, महंगाई बढ़ी है या डिफ्लेशन हुआ है, ये किस प्रतिशत पे हुआ है, इसको हम लोग पता कराएंगे इंडेक्स नंबर में। और टाइम सीरीज एक्चुअली एक फॉरकास्टिंग चैप्टर है जिसमें हम लोग फॉरकास्टिंग का यूज़ करते हैं, मगर टाइम सीरीज में बहुत सारा कंटेंट देके रखा है, काम की सिर्फ वो 4 मेथड है जो हम लोगों को पढ़नी होगी, TSCI उसको बोलते हैं, ये हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या है ये TSCI। बात को शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के साथ, अब एकदम ध्यान से, हाँ स्टैटिस्टिक्स। अच्छा सबसे पहले एक बात समझते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड आया कहाँ से। सच तो ये है कि यहाँ पे आपकी बुक ने भी लिख के रखा है, ध्यान से सुनना, गोइंग थ्रू द हिस्ट्री ऑफ द एंशियंट पीरियड एंड ऑल्सो दैट द मेडिवल पीरियड, वी डू नॉट फाइंड द मैंशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इन मैनी, मतलब वी डू फाइंड, मतलब बहुत सारी जगह जो है स्टैटिस्टिक्स वर्ड को फाइंड किया गया, देखो ध्यान से लिखा हुआ है, इधर देखना हिस्ट्री में, वी डू फाइंड द मैंशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इन मैनी कंट्रीज, हाउ एवर द रिमेन्स अ क्वेश्चन मार्क दैट मार्क अबाउट द ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। मतलब बहुत सारी जगह स्टैटिस्टिक्स वर्ड को देखा गया है, उसे यूज़ किया गया है, मगर ये जो एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स वर्ड है वो कहाँ से आया है, वो आज भी एक क्वेश्चन मार्क है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। ये चीज़ मैं बोलता तो ऐसा लगता नहीं सर कहीं से तो कुछ तो पता होगा, पर हमें एग्जैक्टली अभी तक नहीं पता ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड आया कहाँ से। अब सबके पास कॉपी है, जल्दी से ओपन करो, कुछ कुछ चीज़ें हम लोग लिखते हुए चलेंगे साथ में। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, अच्छा सबसे पहले हेडिंग डाल देना स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा, मतलब चैप्टर का नाम लिख देना, नहीं लिखा हो तो हेडिंग डाल दी, वहां पे एक पॉइंट लिखो, ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स, वहां पे एक चीज लिखो, ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। हम लोग ये देखेंगे कि वर्ड ओरिजिन कहां से हुआ है, ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एक्चुअली में पता है क्या ये वर्ड कहाँ से निकला है, नहीं, मगर कुछ क्लूज हैं, हम लोग उन क्लूज को देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे 4 वर्ड्स की बात करेंगे। लिखो वहाँ पे लैटिन में क्या बोलते हैं स्टेटस, अच्छा मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ आपको दिमाग में आ जाएगा कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है लैटिन, फर्स्ट लैटिन क्या बोलते हैं उसको, स्टेटस, लैटिन में क्या बोलते हैं स्टेटस। अच्छा फिर यहाँ पे देखना जो दूसरे स्कूल है इटालियन में उसको क्या बोलते हैं, इटालियन में बोलते हैं स्टेटिस्टा, यहाँ पे दिख रहा है इटालियन स्टेटिस्टा, इटालियन में उसको क्या बोलते हैं स्टेटिस्टा, अच्छा लिख लो ये लिख दिया, लैटिन में क्या बोलते हैं स्टेटस, इटालियन में क्या बोलते हैं स्टेटिस्टा, अच्छा और भी 2 कंट्रीज के बारे में लिखा हुआ है, जर्मन, देखो जर्मन में ध्यान से देखेंगे अभी अपन, पहले यहां पे लिखो जर्मन में लिखो स्टैटिस्टिक, जर्मन में क्या लिखते हैं स्टैटिस्टिक, वो के वाला है, जर्मन में क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक, बट वहां पे देखना, अच्छा लिख लिया सबने, वॉज लेटर चेंज टू स्टैटिस्टिक्स, लिखने की जरूरत नहीं है पर वहां पे ब्रैकेट में लिख दो स्टैटिस्टिक्स, ब्रैकेट में लिखना है स्टैटिस्टिक्स, इससे ये समझ में आएगा कि यार फ्यूचर में क्या हुआ, अपना जर्मन भाई ने अपने आप को चेंज कर लिया। अच्छा एक भाई बचा अपना,
फ्रेंच में क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक क्यू? क्यू, बस फ्रेंच में क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक क्यू? क्यू, क्यों? मेरे को भी दुख हुआ जान के, लिख लो अभी। चलो अब अपने को चार भाषा समझ में आ गई, लैटिन, बोलो बोलो जल्दी बोलो, लैटिन, लैटिन में क्या बोलते हैं स्टेटस, अच्छा चारों लिख दिए ना, जर्मन में क्या बोलते हैं, अच्छा एक सेकंड दिमाग में रखना, यहाँ पे आपके चारों सामने लिखे हुए, अच्छा यहाँ पे पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या बोला अपने, सबसे पहले लिखा लैटिन, लैटिन में क्या बोलते हैं स्टेटस, इटालियन में क्या बोलते हैं स्टेटस टा, याद रखना, अच्छा जर्मन में क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक, बाद में क्या हो गया स्टैटिस्टिक्स, मतलब बाद में जो जर्मन का वर्ड था वो क्या हमारा स्टैटिस्टिक्स बन गया क्या? हाँ, आखिरी कौन बचा, फ्रेंच बचा, स्टैटिस्टिक क्यू, ये चार। अच्छा एक सेकेंड, इसके ऊपर शायद क्वेश्चन आ सकता है, देखो बहुत जगह बोला गया कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है, मगर आज तक क्वेश्चन आया नहीं है, पर आने के चांसेस हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए चार चीज़ आपके पास लिखी हुई हो गई, ये चार चीज़ आगे दिमाग में, एक बार और जल्दी से साथ में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अच्छा चलो लैटिन में क्या बोलते हैं फ्रेंच, हाँ ये देखो अभी सबको क्या लगा, फ्रेंच पूछूंगा, फिर इटालियन पूछूंगा, फिर जर्मनी, फिर ऐसे, ऐसा तो ना होता, अपन तो कुछ भी ऐसे पूछेगा क्या, लाइन से पूछेगा क्या, नहीं, चलो बोलो लैटिन में क्या है, चलो इटालियन में क्या है, जर्मन, और बच्चा अपना गरीब फ्रेंच क्यू, अच्छा फ्रेंच सबसे ईजी क्यू, और जर्मन में याद रखना है स्टेटस टिक, और वो अपना तो स्टेटस ही है, तो दिमाग में रह जाएगा, सिर्फ ये चार वर्ड है आपके दिमाग में अगर रहेंगे शायद क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए अच्छा अभी मैंने बोला है इन ये नोट्स आप लोगों को आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, बट इन नोट्स को मैं एक दो दिन बाद क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ें यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, जैसे कुछ चीज़ें लिखी हुई नहीं है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अलॉन्ग विद दैट एक और चेंज कर रहा हूँ मैं इस बुक में, जो छोटे छोटे से चेंजेस क्या हो रहे हैं, इसको पॉइंट्स में लेके आ रहे हैं और वर्ड्स को हाईलाइट कर रहे हैं, जैसे अभी अपन एक समझते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ध्यान से एक बार लाइन में सुनेंगे, स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कलेक्शन प्रेजेंटेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, क्या यहाँ पे चार वर्ड है, बोलो चार वर्ड है क्या, अब मैं नई बुक में क्या करने वाला हूँ, उस चार वर्ड्स को हाईलाइट करके पॉइंट्स में लेंगे, ताकि दिमाग में रखने के लिए वो और ईजी हो जाएगा, और इसमें थोड़ा सा और फोटोज को डालने की कोशिश है, वर्क चल रहा है, दो तीन दिन लगेंगे, चलो आए क्या पॉइंट्स, अब शुरू करें क्या, सबको स्टैटिस्टिक्स की हिस्ट्री समझ में आई क्या, सर उसका नाम तो हमको पता ही नहीं, उसका नाम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ ये किसी को नहीं पता, मगर चार मेन सोर्स माने गए हैं, उन चार मेन सोर्स को अपन ने दिमाग में रख लिया। अब पढ़ते हैं ये स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, इसके बारे में एक दो मिनट का छोटा सा ब्रीफ लेते हैं। देखो सबसे पहले दिमाग में एक बात रखना, जितने बिजनेस सराउंडिंग्स में देखते हैं वो क्या कोई भी बिजनेस बिना स्टैटिस्टिक्स के आगे बढ़ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि सर हर बिजनेस को चालू करने से पहले आपको चार चीज़ें करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है, चार चीज़ें, सबसे पहले क्या करोगे, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, आई क्या बात समझ में, सर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले मैं डाटा को कलेक्ट करूंगा, फिर मैं उसे लिखूंगा, मैं उसे देखूंगा, अरे यार मैंने उसको लिख लिया पेपर में, लिख के फॉर्मेट में कर लिया, वो प्रेजेंटेशन हो गया, फिर मैं बैठ के उसको सोचूंगा यार ये कितना अच्छा है, मुझे इस पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर मैं इंटरप्रेट करूंगा। एक बार और धीरे से समझ लेते हैं, क्योंकि भाइयों को सबको समझाना है अपने को, सर कलेक्शन ऑफ डाटा मतलब क्या होता है, जब आप पहली बार डाटा को कलेक्ट करने जाते हो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे एक एक से पूछ रहा हूँ कि भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या नहीं है, इस तरीके के अपन क्वेश्चंस एक एक से पूछ रहे हैं। अब मैंने इस चीज़ को पूरे के पूरे पेपर पे लिख दिया कि हाँ भैया ये गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, जो भी एक्स वाई ज़ेड अपन ने सारी चीज़ों को लिख दिया, इसको लिखने को बोल दिया कलेक्शन ऑफ डाटा। अब फिर उसे मैं क्या करूँगा, ऐसे प्रॉपरली लिखूंगा, बॉयज के एक पूरा कॉलम बनाऊंगा बॉयज का, एक पूरा कॉलम बनाऊंगा गर्ल्स का, उससे मेरे पास एक प्रेजेंटेशन हो जाएगा, मेरे पास एक अच्छे से लिखा हुआ हो जाएगा, फिर मैं समझ पाऊंगा कि कितने परसेंट लड़कों की गर्लफ्रेंड है या कितने परसेंट बॉयफ्रेंड के ठीक है कोई बात नहीं, कितने परसेंट लड़कों की गर्लफ्रेंड है और कितने परसेंट लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स है। उसके बाद मैं दिमाग लगाऊंगा, मैं एक ही काम करूंगा, मैं 14 फरवरी का इंतजार करूंगा और 14 फरवरी को एक प्यारा सा गिफ्ट वाउचर लेके आऊँगा, गिफ्ट वाउचर इन द सेंस ऑफ नॉट गिफ्ट वाउचर, मैं क्या, देखो जिंदगी में एक बात याद रखना, सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा, 14 फरवरी, मतलब बाकी सब मोह माया है एक ही के दिन है तो कंसेप्ट क्या है, देखो अगर अपने को ऐसा लगता है कि बाकी सारे दिन त्यौहार मनते हैं
तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है कि 14 फरवरी को शॉप नहीं होती। फ्लिपकार्ट पे बहुत ज़्यादा सेल्स होती है 14 फरवरी को भाई। वो टेडी बियर बड़े बड़े, मतलब वो मेरे को कैसे पता? अपने पास इतना पैसा नहीं अपन खरीदे, वो बहुत महंगे होते हैं भाई। देख मेरे को इसलिए नहीं पता कि मैं किसी को गिफ्ट करूंगा, मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मेरे को पढ़ के हमेशा अच्छा ऐसी फीलिंग आती है, एक टेडी बियर की कंपनी खोल लेते हैं जिंदगी में, क्योंकि उसमें जो देखो। हाँ अभी लेके आएंगे किंचुक टेडी बियर्स। नहीं मेरे दिमाग एक्चुअली एक मैंने कंपनी, अच्छा तुम लोगों को पता नहीं होगा मेरी एक और फर्म है प्लेस पजल करके। उस प्लेस पजल में मेरा सिर्फ और सिर्फ दो ही दिन में सेल लेके आता हूँ उस पर, एक फ्रेंडशिप डे पे, क्योंकि फ्रेंडशिप डे पे भी अगर चलो छोड़ो कोई बात नहीं ज्ञान ज़्यादा हो जाएगा, तो फ्रेंडशिप डे पे भी देखो गिफ्ट देना ही पड़ता है भले आपका कोई भी रिलेशन हो, क्योंकि वो दोस्ती नहीं निभाओगे तो दिक्कत, तो आपको गिफ्ट देना पड़ेगा। और अगर आपने फ्रेंडशिप डे पे दिया और अगर आपने 14 फरवरी को नहीं दिया तो दिक्कत, क्योंकि और फ्रेंडशिप डे पे एक गिफ्ट ही लेते हो, चार गिफ्ट लेते हो, तो ज़्यादा नंबर्स ऑफ सेल्स होती है वो बढ़ जाती है। मतलब देर आर भाई, अपन किसी भी चीज़ को देखते तो एज ए बिजनेस देखते हैं, अपना दिमाग क्लियर है क्या? तो एक्सपीरियंस है ना बेचने का, बेचने का एक्सपीरियंस है, खरीदने का हुआ नहीं जिंदगी में, दिन अच्छे चल रहे हैं। चलो पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया, फिर उसे प्रेजेंट किया, एनालाइज किया कि यार ज़्यादा लड़कों की गर्लफ्रेंड है या नहीं है। ज़्यादा लड़कों की गर्लफ्रेंड है, सत्य घटनाओं पर आधारित बात यही है तो है। अब मैंने क्या किया, इसको इंटरप्रेट किया। मतलब मैंने इंटरप्रेट कैसे किया, मैं गया मैंने स्वप्निल सर को बोला, मतलब स्वप्निल सर एक काम करते हैं अपन ना एक चीज़ लेके आते हैं 1000 रुपये में गिफ्ट वेपर, मतलब इस तरीके का कुछ सोचा हम लोगों ने। अब इससे क्या हुआ, लेके आएंगे, अच्छा लगा मेरे को आइडिया, बात करेंगे अपन, पर कंसेप्ट क्या है। अब इस तरीके से क्या होगा, किसी भी कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो सकती है। देखो एक लॉजिक समझना, आप जितनी भी ब्रांड देखते हो, कल मैंने छोटा सा नाम लिया था जियो, अब एक मिनट और उस पर अपन डिस्कस करते हैं। सर मुकेश अंबानी ने क्या किया, आपको बोला आओ फ्री में मेरा नेट यूज़ करो, फ्री में नेट यूज़ करते करते क्या उसके पास 28 करोड़ यूज़र्स हो गए आज की तारीख में। अब एक बात समझना, सर आपने जियो की लाइन में लग लग के 28 करोड़ यूज़र बन चुके हो, अब वो क्या करेगा, आपको एक मैसेज भेजेगा, क्या बोलेगा, जब आप रिचार्ज करने जाओगे, बोले आपका रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज करो, रिचार्ज करने जाओगे आपको एक कूपन कोड मिल जाएगा, कूपन कोड बोलेगा रिलायंस डिजिटल से जाके आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो और आपको 70% ऑफ। जैसे ही आप रिलायंस, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप रिलायंस डिजिटल के कस्टमर हो क्या? नहीं, आप तो रिलायंस जियो के कस्टमर हो, लेकिन रिलायंस जियो के कस्टमर हो इसलिए वो आपका, अच्छा उसके पास आपका नंबर तो है, अब आपको मैसेज भेज सकता है। जैसे ही वो आपको मैसेज भेजेगा वैसे ही आप शिफ्ट हो जाओगे रिलायंस डिजिटल के, आप पहले दिन कस्टमर बन जाओगे। और अब आप जो फ्लिपकार्ट है या अमेज़ॉन है उससे परचेस नहीं करोगे, आप किससे करोगे, रिलायंस डिजिटल से। इससे सबसे बड़ा घाटा किसको होगा, दो लोगों को, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट। वैसे लीडिंग कंपनी कौन सी है, स्टेटिस्टिक्स की बात चले तो थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन? हर इंसान को लगता है अमेज़ॉन लीडिंग कंपनी है, लेकिन लीडिंग कंपनी है फ्लिपकार्ट। वॉलमार्ट ने खरीद लिया तो क्या हुआ, लीडिंग कंपनी। मतलब सेल्स की बात चल रही है यहाँ पे। सर मैं बताऊँ क्या कितना डिफरेंस होता है, मतलब आई एम नॉट एक्यूरेटली श्योर बट ऐसा डिफरेंस है 31.0 और 31.1, इतनी सेल्स होती है, इतना मार्केट स्टेक है फ्लिपकार्ट का और इतना मार्केट स्टेक है अमेजोन का, मतलब वो लोग पॉइंट में लड़ते हैं। अच्छा और थोड़ा सा ये समझ में आती है क्या बिजनेस की बात है, एक और बात बताऊँ क्या, एक दिन में अमेजोन कितना खर्चा करता है पता है क्या, 8 करोड़ रुपए। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब ये मेरा कस्टमर नहीं है लेकिन मैं इसको अपना मैसेज, इसको अप्रोच करता हूँ, इसके सामने बार बार एड लाता हूँ, इसको बोलता हूँ अपनी दुकान, तो ये आता है मेरी दुकान पे, ये आता है अमेज़ॉन पर, ये खरीद लेता है। अब ये मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। अब एक जो चीज़ बोलूँगा समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो सब मुँह में आया है। ये मेरा एक प्रोडक्ट खरीदने आया जो कि सिर्फ 500 रुपये का है, इसके ऊपर पता है मैंने इसके ऊपर कॉस्ट कितनी लगा दी है, 7,500 रुपये। मतलब मेरी वन सेल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर कहूँ वन कस्टमर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो है 5,000 से लेकर 7,000 रुपये तक। मतलब सोचने जाएंगे खरीद कितने का रहा है, 500 रुपये का, मैंने इसके ऊपर खर्चा कितना किया, 5,000 रुपये का, उसके बावजूद भी ये कंपनियाँ प्रॉफिट में नहीं है। अच्छा ओयो नाम सुना है, ओयो, ओला, उबर, जो नाम ले लो यार, जोमेटो, जितनी कंपनियाँ जानते हो सब लॉस में,
कोई भी कंपनी प्रॉफिट में नहीं, कोई भी कंपनी प्रॉफिट में नहीं, पता है क्यों? क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत ज़्यादा है। मतलब ये लोग क्या करते हैं, आप समझना है इस बात को, अपने इंडिया में इंटरनेट यूज़र हैं 30 करोड़, ये लोग टारगेट करते हैं 50 करोड़ को। अब ये 20 करोड़ जो दूसरे लोग हैं जो शायद कभी फ्लिपकार्ट या अमेजोन से खरीदने ही नहीं वाले हैं, उनके सामने भी ऐड दिखाते हैं, बोले तुम भी ऐड देखो। अब क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स का डाटा, आप समझना इस चीज़ को, बहुत ही थोड़ा सा डीप बात है सर। वो लोग कॉस्ट तो एक्वायर कर रहे हैं, पैसा तो खर्चा कर रहे हैं, क्या वो कस्टमर शिफ्ट हो रहे हैं क्या? अब एक क्वेश्चन आता है सर, अगर किसी को कॉस्ट भी देखो, अब एक बात तो देखो सब जानते हैं कि सर अगर मैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीदने जाऊँगा तो सस्ता पड़ेगा और अपने पास वाले दुकान से खरीदने जाऊँगा तो महंगा पड़ेगा, मगर कंसेप्ट क्या है? आज भी बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं यार ऑनलाइन मंगाएंगे तो ट्रस्टेबल नहीं है। आज भी ट्रस्ट इशू बहुत बड़ा है, मतलब अपन ये कितना भी सोच ले कि नहीं यार ऑनलाइन इज रिलायबल, आप कितना भी सोच लो ऑनलाइन रिलायबल है, लेकिन ऑफलाइन आज भी ट्रस्टेड है। एंड इस ट्रस्टेड ब्रांड पे वर्क कौन कर रहा है? रिलायंस। रिलायंस बोल रहा है मैं आपको ऑनलाइन नहीं बेचूंगा, वो बोल रहा है आपकी पड़ोस वाली दुकान का जो बंदा है ना वो निकल के आपको घर में देके जाएगा। अब बोलो खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? आपकी मम्मी जो शायद कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करने वाली, चलो मम्मी तो आजकल कर लेते हैं, आपके जो और थोड़े से एजेड लोग होंगे घर में जो आज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करते होंगे, उनको क्या करना पड़ेगा? एक क्लिक करना पड़ेगा, आधे घंटे के अंदर एक बंदा आएगा घर के बाहर, बोलेगा ये लो सामान, दो पैसे, बात खत्म। अब बताओ ये है प्लानिंग, ये है अंबानी का दिमाग। अंबानी क्या सोच रहा है? कभी देखना अंबानी आपको ये नहीं बोलता आप डिजिटल हो जाओ। अंबानी नेट जरूर दे रहे हैं पर वो कभी भी उस वक्त उस चीज़ पे वर्क ही नहीं करता जो 100% डिजिटल हो, क्योंकि उसके डिजिटल स्टोर्स भी हैं, उसके ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं और वो उसको एक्सपांड करना चाहता है। मतलब वो मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको सिर्फ समझने में वाली बात क्या है, आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो भाई थ्योरी भी अपन पढ़ के पास हो जाएंगे, ये सब तो ज्ञान की बात है, पर कंसेप्ट पता है क्या? एक डाटा जो है वो हर बिजनेस का लीड सोर्स होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये बैठा हुआ है यहाँ पर, कल इसने क्या हुआ, कल ये ऑफिस में आया, हमने इससे हमने इससे सिर्फ इसका नाम पूछा, तरह से नाम पूछा था हमने, नहीं नाम भी नहीं पूछा था, सिर्फ सीआरओ पूछा था हमने इससे, जो आईसीआई रजिस्ट्रेशन होता है ना, किसी का सीआरओ होता है, किसी का एनआर होता है, किसी का कुछ भी होता है, हमने इससे इसका सीआरओ पूछा, इसने इसका सीआरओ बताया, हमने इसका नाम पता लगा लिया, इसका फ़ोन नंबर पता लगा लिया, मतलब इसकी जितनी भी डिटेल्स है, इसका घर का एड्रेस एक्स वाई जेड हमारे पास सब है। अब ये होता है द गेम ऑफ डाटा, क्योंकि करना क्या पड़ता है अपने को, ये जो डाटा समझ रहे हो, मतलब सिर्फ ये अपना सीआरओ देगा, यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हुए हैं सिर्फ अपना सीआरओ दोगे ना, आज से 10 जिसने आज से 15 दिन पहले अपने आप को रजिस्टर किया होगा आईसीआई में, उसकी पूरी डिटेल्स निकल जाएगी। अब सोचो कि अगर ये सब डाटा, अच्छा ये डाटा आपने कहाँ रजिस्टर किया था? आईसीआई में, और डाटा कहाँ कहाँ जा सकता है? दिस इज कॉल्ड एंड द वैल्यू ऑफ डाटा। जिंदगी में एक चीज़ समझने वाली बात है, जो डाटा होता है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब समझते हैं, थोड़ा सा और डीप में चलते हैं और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट डाटा के बारे में, और ये डाटा जेन्युइनली सोर्स क्या है इस डाटा के, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले बताता हूँ, ये चार पॉइंट्स याद हुए क्या? कॉपी खोलो, वहाँ पे लिखो स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज, ये चार पॉइंट्स लिखना, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। थोड़ा गेम ऑफ डाटा समझ में आया क्या? जो हम लोग पढ़ने वाले वो चीज़ क्या है, थोड़ा सा ये समझना जरूरी है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बहुत बोरिंग लगता है मगर वो जेन्युइनली बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें जो मज़ा है ना, ये एक अलग ही लेवल है, क्योंकि बिना इसके कोई बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। लिख लिया सबने? अब समझ, अच्छा चलो हमने ये समझ लिया कि सर स्टैटिस्टिक्स की हिस्ट्री क्या है, हमने समझ लिया स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, अब इसका यूज़ क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज यूज इन बिजनेस फॉरकास्टिंग, फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, फॉर फॉर्मिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बर्थ डेथ रेट वगैरह सब कुछ। समझना सर, अभी वोटिंग्स हुए, वोटिंग से 10-10, 15-15, 20-20 दिन पहले सारी जितनी भी न्यूज चैनल थे उन लोगों ने अनाउंस कर दिया था, जिसे कहते हैं एग्जिट पोल। उन्होंने कहा
कि आपको क्या करना है, मतलब इतनी ये सीट जीतेंगी, मतलब भाजपा कितनी सीट चाहेगी, कांग्रेस कितनी सीट चाहेगी, आप कितनी सीट चाहेगी और अदर्स कितनी सीट चाहेगी, ये चीज़ उन्होंने इतने दिन पहले ही बता दिया था। तो अब समझने वाली बात क्या है सर, क्या ये सब फॉरकास्टिंग हुई या नहीं हुई? फॉरकास्टिंग मतलब फ्यूचर बताना। अच्छा ये कोई बाबा है क्या, ये कोई से बोलो ओम नमः स्वाहा, बोलो इतनी सीट चाहेंगी? मतलब कुछ कुछ का स्क्रू होता है, गिर गया है, ढीला है, समझ में ही नहीं आता है। कोई बात नहीं, आ रहा हूं। तो कंसेप्ट क्या है, क्या उन लोगों ने कोई स्वाहा वाहा किया क्या? नहीं, उन्होंने डाटा को निकाला। अब डाटा कैसे निकाला, उसको बोलते सैंपलिंग, समझना। मैंने वोट दिया पर मुझसे तो आके पूछा ही नहीं आपने किसको वोट दिया। अब क्या हुआ, टोटल देश में मान लो 100 करोड़ लोगों ने वोट दिया, वो लोग 1 लाख लोगों से पूछेंगे। कितने से पूछा, देखो वोट कितने दिया 100 करोड़, पूछा कितनों से 1 लाख से। 1 लाख में से जिसने जो ओपिनियन दिया उस ओपिनियन को रिकॉर्ड करके, मतलब मान लो उस 1 लाख में से 60% लोगों ने बोला हमने भाजपा को वोट दिया, तो इन्होंने क्या बोला, 100 करोड़ में से 60% लोगों ने भाजपा को वोट दिया। वापस बोलता हूँ, इस बात को अच्छे से समझना सर। उन्होंने टोटल कितने लोग थे वोटिंग करने वाले, 100 करोड़। अब क्या पॉसिबल है क्या कि 100 करोड़ लोगों से जाके पूछा जाए आपने किसको वोट दिया, किसको वोट दिया? ऑब्वियसली बात है नहीं, क्योंकि वो देखो कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। उसकी जगह क्या करते हैं, सैंपल बनाते हैं। सैंपल मतलब बहुत बड़े डाटा में से कोई छोटा सा डाटा निकाल दो। तो 100 करोड़ लोगों से तो पूछ नहीं सकते, हमने 1 लाख लोगों से पूछा आपको आपने किसको वोट दिया, भाजपा कांग्रेस या फिर नन। अब 1 लाख लोगों में से 60,000 लोगों ने यानी 60% लोगों ने बोला हमने भाजपा को वोट दिया, तो इस 60% की बेसिस पे पूरे ये मान लिया गया कि पूरे 100 करोड़ लोगों ने किसको वोट दिया, भाजपा को। और उन्होंने अपने एग्जिट पोल बाहर कर दिए कि इतनी सीट्स इसकी, इतनी सीट्स इसकी, इतनी सीट्स इसकी। ये कैसे हुआ, फॉरकास्टिंग हुआ। मगर क्या फॉरकास्टिंग, थर्ड पॉइंट सुनना बहुत ध्यान से, सैम्पलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स विच इज वाइडली यूज इन अ सैम्पल सर्वे एंड स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। समझते हैं, क्या कोई भी फॉरकास्टिंग बिना सैम्पलिंग के हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि आपको रियलिटी भी तो जाननी है कि नहीं जाननी है। देखो आज की तारीख में रिकॉर्ड बहुत, मतलब हर दूसरे दिन कोई ना कोई, आप अगर पढ़ने जाओगे ना गूगल पे, यूट्यूब पे, हर दूसरे दिन कोई ना कोई सर्वे की रिपोर्ट बाहर आती है कि इतने प्रतिशत लोग फेसबुक छोड़ना चाहते हैं, इतने प्रतिशत लोग व्हाट्सएप छोड़ना चाहते हैं। अरे हमसे आके किसी ने पूछा क्या? नहीं। वो लोग क्या करते हैं, किसी को भी मैसेज, अच्छा एक ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप में पूछते हैं क्या पसंद है, क्या पसंद है, क्या पसंद है, इसके बेसिस पे पूरा का पूरा रिजल्ट निकाल देते हैं। अब क्या आपसे आके पूछा क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या स्टैटिस्टिक्स हमेशा सही हो सकता है क्या? नहीं। अच्छा स्टैटिस्टिक्स की जगह अगर मैं ये कहूँ, क्या सैम्पलिंग हमेशा सही हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि वो गलत भी तो हो सकती है ना। क्यों? क्योंकि सर आपने तो 1 लाख लोगों से प्रेफरेंस लिए ना, 100 करोड़ और 1 लाख में भी बहुत डिफरेंस है। क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है बाद में चॉइस बदल जाए? ऑब्वियसली बात हो सकता है, ये हुआ भी। सब ने कहा था कि भाई जो भाजपा है उसको अराउंड 200 मतलब 250 अराउंड सीट चाहेंगी, मगर आई बहुत ज़्यादा, 300+ सीट्स आई उनके पास। तो कंसेप्ट क्या है सर, ये हमेशा एक्यूरेट नहीं होगा, मगर हाँ इससे अपने को समझ में आ जाता है कि भैया फॉरकास्टिंग क्या होने वाली है और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। अच्छा इतनी बात समझ में आती है क्या, इतना ज्ञान आता है क्या? सिर्फ 3 चीज़ें समझते सर, स्टैटिस्टिक्स को निकालते कैसे, डिफाइंड कैसे हुआ, बोलो साथ में एक बार, कैसे डिफाइंड हुआ, कैसे निकालेंगे? कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। अच्छा मुझे बताओ, क्या इट इज़ बेसिकली यूज फॉर फॉरकास्टिंग ऑफ द डाटा, या फिर चेकिंग द हाइपोथेसिस, या फिर जो भी हमको रेशियो में निकालना होगा, बर्थ जो भी डेथ रेट निकालना होगा, इतने प्रतिशत आपकी पॉपुलेशन बढ़ी है या इतने परसेंट से पॉपुलेशन गिरी, इन सबको निकाल सकते हैं। इसके अलावा क्या सैम्पलिंग क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहाँ पे लिखा हुआ है सैम्पलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट? क्यों? क्योंकि बिना स्टैटिस्टिक्स के आप, बिना सैम्पलिंग के आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। अभी ये 4th पॉइंट हटेगा यहाँ से, आप समझते हैं इस पे। स्टैटिस्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स। अब क्या हुआ, देखो जब इतनी डाटा की बात हो रही है तो कुछ पार्ट्स में इसको बांटना जरूरी है, मतलब यहाँ पे कुछ समझना जरूरी है। वहाँ पे लिखो चीज़ें, लिखो स्टैटिस्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स विच आर, स्टैटिस्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स विच आर। अभी से पॉइंट्स लिख दो, बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पॉइंट नंबर 1 क्वालिटेटिव डाटा, पॉइंट नंबर 2 क्वांटिटेटिव डाटा, मैं लिखवा रहा हूँ, लिखा हुआ नहीं है,
पॉइंट नंबर वन क्वालिटेटिव डाटा, पॉइंट नंबर टू क्वांटिटेटिव डाटा, पॉइंट नंबर थ्री क्रोनोलॉजिकल डाटा, पॉइंट नंबर थ्री क्रोनोलॉजिकल डाटा या फिर ब्रैकेट बिकना और टेम्परेरी डाटा, क्रोनोलॉजिकल डाटा और टेम्परेरी डाटा, पॉइंट नंबर फोर ज्योग्राफिकल डाटा। इसको डिस्कस अभी नहीं कर रहे, सिर्फ लिखने का बोला मैंने। यहाँ पे सब लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल डाटा ज्योग्राफिकल डाटा। अभी समझते हैं, देखो कुछ फेजेस में इसको बांटा गया है। अभी अपन इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बारे में अपन थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट एक एक पॉइंट समझ लेते हैं। अच्छा क्वालिटेटिव डाटा, सर क्वालिटेटिव डाटा मतलब क्या? अच्छा कौन सी चीज़ कितनी अच्छी लगती है? अच्छा किसी को ये बोल सकते हो क्या तेरी खूबसूरती 50 किलो की है? मतलब अरे गवार हो, जो तुम जिस चीज़ को तुम वेट में मेजर कर रहे हो वो तो क्वांटिटेटिव डाटा हो गया ना। अरे ये बोल सकते हो क्या तुमको कॉफ़ी पी के कितना अच्छा लगता है? इसको न्यूमेरिकली डिफाइन कर सकते हो, अगर कर सकते हो तुम भगवान हो, और नहीं कर सकते मतलब तुम इंसान हो। वैसे उल्टा बोला, कर सकते हो तुम जानवर भी हो सकते हो, इसमें कोई भरी भरी बात नहीं है। तो अब क्या हो तुम डिसाइड कर लो। तो सर क्वालिटेटिव डाटा, अच्छा अभी हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव डाटा के अंदर कुछ एट्रीब्यूट उस कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ा डीप डिस्कस होगा थोड़ी देर में। पर समझना क्या है, चार तरह के डाटा है। क्वालिटेटिव डाटा मतलब क्या? जिसे हम लोग मेजर नहीं कर सकते। अभी लिखना मत, सिर्फ समझ लेना। क्वालिटेटिव डाटा मतलब क्या हुआ? जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। मेरे को चाय पी के कितना अच्छा लगता है, पंजाबी को पी के कितना अच्छा लगता है, तो ये सब चीज़ों को आप लिख सकते हो क्या? नहीं। क्वांटिटेटिव डाटा मतलब क्या? जिसे हम लोग न्यूमरिकली लिख सकते हैं। मैंने कॉफ़ी कितने रुपए की खरीदी, या फिर एवरेज हाइट कितनी है, एवरेज वेट कितना है, इन सब चीज़ों को मैं लिख सकता हूँ। मैंने कितने किलोमीटर चला, ये सारी चीज़ें क्या मेजरेबल यूनिट्स हैं? मेजरेबल यूनिट्स में देखो जो जो बोल रहा हूँ देर इज़ अ वर्ड, तो मेजरेबल यूनिट्स इन सब चीज़ों को समझ में आता है ना सभी को? भाई जो भी चीज़ मेजर हो सकती है उसको मेजरेबल यूनिट कहते हैं। यूनिट मतलब किलोमीटर, सेंटीमीटर, इन सब चीज़ों को यूनिट कहते हैं। अच्छा क्रोनोलॉजिकल डाटा मतलब क्या हुआ? जो टाइम के बेसिस पे हो, उसके बारे में डीप डिस्कशन होगा। जिस क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या है? जो टाइम बेसिस हो। देखो अपने डाटा में क्या हो सकता है, 2012 का डाटा होगा, 2013 का डाटा होगा, 2014 का डाटा होगा, तो इस तरीके से जो सीक्वेंस में डाटा होगा, डाटा को उस सीक्वेंस में बांटना, उसको क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल डाटा। अच्छा ज्योग्राफिकल डाटा का मतलब क्या हुआ? अच्छा डाटा एरिया वाइज भी होता है। अब एक छोटी सी बात समझना मेरे से, हर कंपनी का मार्केट पैन इंडिया नहीं होता है। जिसे एक समझना, बायजूस नाम सुना है क्या? बायजूस, अच्छा अभी अकेली मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, वो अकेली प्रॉफिटेबल एजुकेशन स्टार्टअप है। मैंने बहुत जो जो वर्ड्स बोले उन सब पे मेजरेबल है। मैंने नहीं बोला अकेली एजुकेशन स्टार्टअप कंपनी, मैंने बोला मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी, अकेली एजुकेशन स्टार्टअप, वो बिजनेस, अच्छा बायजूस इज नॉट अ बिजनेस, इट इज एन स्टार्टअप। तो वो अकेली जो है वो स्टार्टअप प्रॉफिटेबल है। क्यों प्रॉफिटेबल पता है? अच्छा अभी प्रॉफिटेबल ये सबको पता है, मगर आपने अपने आस पड़ोस में किसी को खरीदते हुए देखा क्या बायजूस के प्रोडक्ट को? नहीं। जिन्होंने देखा है वो अच्छी बात है, पर उतना एक्सपांशन में नहीं देखा होगा मेरे हिसाब से। एक आधे इक्के दुक्के को देख लिया होगा तो देख लिया होगा, बाकी को नहीं देखा होगा। रीजन उसके पीछे, वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। आज भी बायजूस का जो कोर लैंग्वेज है वो क्या है? इंग्लिश है। अब उसका कोर लैंग्वेज इंग्लिश होने के कारण क्या नॉर्थ वाले इतना खरीदते हैं क्या उसको? नहीं। क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि आज भी देखो मेरा मतलब जितना मेरा जो देखी हुई चीज़ है वो लोगों को क्या लगता है, आज भी उनको लगता है यार भले हम इंग्लिश में पढ़ लेंगे, हम इंग्लिश मीडियम से हैं, मगर समझना तो हमें हिंदी में, क्योंकि उससे फील आता है, मतलब वो दिमाग में घुसने वाली बात होती है। तो आज भी क्या होता है, बायजूस का बहुत बड़ा एरिया है, बायजूस प्रॉफिटेबल भी हो गई है, लेकिन आज भी वो नॉर्थ में इतनी फेमस नहीं है। आप समझना मैंने क्या बोला, ज्योग्राफिकल डाटा है। उसका जो पूरा का पूरा सेल्स है वो कहाँ पे है? साउथ में। क्या उसकी सेल्स नॉर्थ में है क्या? नहीं। अब समझना सर, ये साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये सब बातें कर रहे हैं, क्या ये सब कुछ ज्योग्राफिकल हो गया क्या? ऑब्वियसली बात है, मैं बोल रहा हूँ भाई मुंबई वालों को चाय पीना ज़्यादा पसंद है और दिल्ली वालों को कॉफ़ी पीना ज़्यादा पसंद है, तो ये डाटा जो है किस तरीके का, ये क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्रोनोलॉजिकल या ज्योग्राफिकल? ज्योग्राफिकल। आप क्या लोगों को एरिया बेसिस पे बांट रहे हो? ऑब्वियसली समझ में आएगी बात। अच्छा ये समझ में आया, चार तरह का डाटा, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये दो बार मैंने क्यों लिखवा है उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। अभी मैंने पॉइंट्स लिखवा है, बाद में एक और बार लिखवाऊंगा। क्यों? क्योंकि दिमाग में घुस जाना चाहिए, ये छूटा तो मतलब ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन है ना वो छूट जाएगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है
क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऐसा लोग बोलते हैं, मगर क्वेश्चन आया है क्रोनोलॉजिकल के ऊपर. मतलब पूरे जितने भी कुछ भी देखोगे ना, गूगल भी करोगे ना, तो सबसे ज़्यादा सीए के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, मगर क्वेश्चन आया है क्रोनोलॉजिकल के ऊपर. इसका बहुत एक छोटा सा मतलब मैं कहना चाहता हूँ. पहली बात तो ये जो इंपॉर्टेंट की दुनिया उससे बाहर निकलते हैं, क्योंकि कंटेंट जो है ऑलरेडी बहुत कम है, मगर हमें जो जितने भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को दिमाग में क्लियर रखना है. और पता है क्या होता है, एक बार क्रोनोलॉजिकल के ऊपर क्वेश्चन कैसा आया था, उन्होंने पूछा था विच ऑफ दिस इज़ अ टेम्परेरी डाटा, और चार ऑप्शन दे दिए वो टाइम बेसिस या फिर इस तरह के चार ऑप्शन दे दिया. बच्चे ने क्या बोला, बोले ये तो मैंने किया ही नहीं, ऑप्शन डी था नन ऑफ दिस, हमने कभी वर्ड सुना नहीं, हमें चार ऑप्शन समझ तीन ऑप्शन समझ में आया नहीं, बच्चे ने टिक कर दिया नन ऑफ दिस. बोलो सही हुआ गलत हुआ, गलत, क्योंकि दिमाग में कंसेप्ट क्लियर नहीं था. ये बात हमेशा कहता हूँ, तुक्का ज़्यादा नहीं मारना है. चलो चार चीज़ समझ में आती है. क्वालिटेटिव मतलब क्या, जो फीलिंग है जिसे हम लोग मेजरेबल यूनिट्स में नहीं लिख सकते. क्वांटिटेटिव मतलब क्या, जिसे मेजरेबल यूनिट्स में लिखा जा सकता है. क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या, टाइम बेसिस डाटा जो कि टाइमली डिवाइडेड हो. अच्छा बचा कौन, गरीब. ज्योग्राफिकल उसका मतलब क्या हुआ, एरिया बेसिस. अच्छा ये डाटा 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 पढ़ा, ये डाटा का मतलब क्या आप समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ट्रस्ट मी वन थिंग, ICAI ने दो अटेम्प्ट में पता है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे, मतलब क्वेश्चन सुनोगे ना हंसी आ जाएगी. अच्छा एक मिनट पढ़ते हैं फिर अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले समझते हैं कि सर डाटा क्या होता है, उसके बाद एक दो ऊपर की चीज़ें पढ़ेंगे. डाटा क्या होता है, डाटा इज़ ए न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन विच इज ऑप्टेन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. अच्छा मैं कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टिगेट क्या कर रहा हूँ भाई, तुमको चाय पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सारी जो ये सब जो बातें कर रहे हैं इसे क्या इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, ऑब्वियसली बात है. अब इसमें जो भी आपका न्यूमेरिकल डाटा आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाटा. अब मेरी एक छोटी सी बात समझना, कुछ तरह के डाटा होते हैं, टेक्निकली दो तरह का डाटा होता है, एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा. इसके ऊपर ICAI बहुत क्वेश्चन पूछता है, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने जैसा कंसेप्ट ही नहीं है, मगर फिर भी ICAI इसकी दुनिया से बाहर नहीं निकलता. क्यों, क्योंकि बच्चे को इसी में डाउट है, बच्चे को ये समझ में नहीं आता भाई प्राइमरी डाटा क्या है और सेकेंडरी डाटा क्या है. इसलिए कॉपी पेन खोलो जल्दी से, चार तरह के डाटा लिख दिया. अब वहां पे लिखो, हेडिंग डालो डाटा, हेडिंग लिखो डाटा, वहां पे थोड़ा सा एक लाइन लिख दो गरीब. डाटा इज अ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, डाटा इज अ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्टेन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. समझ में आया क्या सर, डाटा का मतलब क्या हुआ. डाटा का मतलब भाई जब भी मैं किसी से कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ तो जो मुझे न्यूमेरिकल डाटा मिल रहा है, जो न्यूमेरिकल चीज़ें मिल रही वो डाटा है. छोटी सी बात बोलता हूँ भाई, मैंने यहाँ पे एक एक से पूछा भाई तुम्हारा वेट कितना है, अब सब ने क्या मुझे अपना वेट बताया, तो मैं उसे अपने पेपर पे लिखूंगा. अब जैसे ही मैं उस पेपर पे लिखूंगा वही तो मेरा डाटा है. अब अच्छा एक सेकेंड समझने वाली बात, सर ये वेट पता करने से मैं बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, पता है क्या, क्योंकि हर इंसान भले वो पतला हो तो उसको लगता है मेरे को मोटा होना है, कोई मोटा होता है तो उसको लगता है मेरे को पतला होना है. जिंदगी में हर इंसान दुखी तो है, मतलब दुख का सिर्फ और सिर्फ रीजन, मैं बोलता ही नहीं दुख का रीजन चाहिए. अब एक कोई पतला है तो उसको लगता है मैं पतला क्यों, कोई मोटा है तो उसको लगता है मैं मोटा क्यों. मतलब बिजनेस तो भाई मतलब हवा में बहता है. अब एक समझते, अब मैंने क्या किया, मैंने एक एक इंसान से पूछा बोला तुम्हारा वेट कितना है, ये बोले तो मैं ककड़ी हूँ, आई मीन बहुत पतला हूँ, ये बोले बोले मैं तो अच्छा खासा आलू हो रहा हूँ. अब कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छा अभी समझना, मैंने लिख लिया, मैंने अब मैं क्या करूँगा, देखो डाटा तो लाइन से लिखूंगा ना, मैंने एक एक बच्चे का लिखा, इसने अपने सबने अपना वेट वेट लिखते गया लिखते गया लिखते गया, क्या किया मैंने डाटा कलेक्ट किया. फिर मैं उसे प्रेजेंट कैसे करूँगा, मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दूंगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा सकता हूँ, मैं उसको ऑर्डर में जमा के एनालाइज करूँगा कि यार 50 किलो से कम वाला भी परेशान है और 70 किलो से ज़्यादा वाला भी परेशान है. अब मैंने एनालाइज़ किया, मैंने सोचा वाह यार अपने को बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिली. उसके बाद मैंने इंटरप्रेट किया, मैंने क्या सोचा, मैं एक काम करता हूँ इसको, मैंने बोला एक काम कर सुन, ज़्यादा लोड मत ले, 200 रुपये महीना दे और ये चूर्ण खा तो 6 महीने में कृपा आ जाएगी. इसको मैंने बोला देख, अच्छा एक सेकेंड, पतले से मोटा होना आसान है लेकिन मोटे से पतला होना थोड़ा डिफिकल्ट है ऐसा बोला जाता है, मेरे को पता नहीं कोई मोटा हुआ नहीं तो. पर कंसेप्ट क्या है, मोटा इंसान पैसा ज़्यादा दे सकता है क्योंकि मोटे को पतले होने की बहुत जल्दी है. अभी मैंने क्या बोला, देखो मैंने पतले वाले को क्या बोला, तू 200 रुपये दे तो 6 महीने मोटा हो जाएगा. इसको मैं 200 थोड़ी ना बोलूँगा, ये है मेरा एनालिसिस
क्यों? मैंने देखा ना कि ज़्यादा लोग मोटे ज़्यादा है, लोग मोटे ज़्यादा है, ओबेसिटी जिसे कहा जाता है, तो ओबेसिटी ज़्यादा है, ओबेसिटी ज़्यादा है मतलब बिजनेस ज़्यादा है और लोगों की परेशानी ज़्यादा है, लो ज़्यादा पैसा। मैंने इसको बोला एक काम कर, सुन तू मेरा भाई पगले, तेरे से ज़्यादा पैसे लूँगा क्या? तो 500 रुपये दे बस, ज़्यादा पागल हो, ज़्यादा लूँगा मैं उससे, गरीब आदमी है, कितना रुपये दे? 500 रुपये महीना। अब एक बात समझना, मैंने से लिया 500 रुपये महीना, मेरे को वो चीज़ पड़ती है 10 रुपये की। ये सत्य है। देखो पाउडर, अबे पाउडर में ऐसा क्या होगा, मतलब ये जितने भी जो 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 चीज़ें तुम लोग देखते हो ना, चीज़ों की कॉस्ट नहीं होती, उन्हें बनाया जाता है। मतलब मैं ये सारी बातें क्यों कर सकता हूँ, बिकॉज मेरी खुद की एक मार्केटिंग कंपनी है, मतलब पेटीएम नाम सुना है, पेटीएम को मेरी कंपनी ने मार्केट किया हुआ है। फसीना मिस इंडिया के पूरे एक एरिया का जो पूरा एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, उसकी पूरी मार्केटिंग हम करते हैं, पूरी मार्केटिंग हम लोग करते हैं। तो कंसेप्ट क्या है, इतनी मार्केटिंग कर ली है ना कि अब तो मतलब पता है क्या, कोई एडवर्टाइजमेंट देख के पहले दिमाग में लगता है ये चोर तोड़ नहीं है, मतलब इतना गंदा शकी माइंड हो चुका है ना एडवर्टाइजमेंट देख के, क्योंकि हम खुद लोगों के ऐसे एडवर्टाइजमेंट बना के दिखाते हैं कि अब तो मतलब ट्रस्ट नहीं होता है। तो कंसेप्ट क्या है, मेरे को दोनों पाउडर 10-10 रुपये के पड़ रहा है, इसको मैं दूंगा 10 का 200। क्यों? क्योंकि इसको पतले से मोटा थोड़ा टाइम लेट भी होगा तो चलेगा, लेकिन मोटे को पतला जल्दी होना है। मैंने इसको क्या बोला, 500 रुपये दे। अब एक बात समझो, ये हुआ डाटा। डाटा एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, अब तो मेरे दिमाग में सबके समझ में आ गया होगा, सबके दिमाग में डाटा तो घुस गया होगा, मतलब डाटा से अपन क्या क्या उखाड़ सकते हैं, मतलब पूरी दुनिया अपनी हो सकती है अगर डाटा है तो। अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया, ट्रंप पता है ना, ट्रंप, अरे वही अपना भाई गरीब, हाँ भाई, हाँ तो वो गरीब पता है, वो ट्रंप पता है क्यों जीता था? फेसबुक ने डाटा लीकेज किया था भाई, केस भी हुआ था। ये गवारो नहीं पता, चलो जिनको नहीं पता सिर्फ छोटी सी बात बता देता हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा। डाटा की इंपॉर्टेंस इतनी बड़ी है कि यूएसए में प्रेसिडेंट कौन बना, इसको डिसाइड किसने किया? डाटा ने। कैसे किया समझना, अगर मतलब अब ये समझ में आ गया ना तो फिर ये एंड है, इसके आगे कुछ समझ ऐसा नहीं है। देखो दो तरह के लोग होते हैं, जिनको ट्रंप पसंद है और जिनको ट्रंप नहीं पसंद है। नहीं मोदी के ऊपर इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि हिंदुस्तान में बैठे हैं, मेरे को जिंदा रहने का बहुत शौक है। तो मोदी की स्ट्रेटजी अपन कभी और डिस्कस करेंगे जिस दिन रिकॉर्डिंग बंद होगी, ठीक है? आज रिकॉर्डिंग चालू, अपन ट्रंप की बात कर सकते हैं क्योंकि ट्रंप के ऊपर ऑफिशियल केस हुआ हुआ है, तो वो ऑफिशियल केस चल रहा है, तो अपन उसके बारे में खुली बात कर सकते हैं। समझने वाली बात क्या है? अच्छा दो तरह के लोग हैं, जिसको ट्रंप पसंद है, जिसको ट्रंप पसंद नहीं है। अब समझना, फेसबुक को सब पता है, फेसबुक को अच्छा एक कॉलम आता है वहाँ पे, व्हाट यू लाइक, आपको कौन सी बुक पढ़ना पसंद है, आपको कौन सी मूवी पसंद है, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, इसकी पूरी लिस्ट है। कभी फॉर्म फिल किया ही होगा, पर जब अपन रजिस्टर करते तब फिल करते तो किसी को याद नहीं रहता, मेरे को याद है, अपन वहाँ पे एक पूरा फॉर्म फिल करते हैं। अब क्या होता है, सिर्फ इतनी बात नहीं, आप लोग जब वो कर रहे होते हो ना, थोड़ा सा एग्जांपल और देता हूँ, अमेजोन पे गए, किसी प्रोडक्ट को परचेस नहीं किया, उसे एडिट टू कार्ट कर दिया, 10 मिनट बाद जब फेसबुक खोलोगे वो प्रोडक्ट आपके सामने आ जाता है, डू यू वांट टू बाय राइट नाउ? फेसबुक बंद करो, इंस्टाग्राम खोलो, सामने ऐड आएगी। चलो ये भी नहीं करेंगे सर, हम तो यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब खोलो, उसी से पहले अमेजोन की हेड, अपनी दुकान। कभी सोचा ऐसा क्यों? ये है डाटा, इसको बोलते हैं कुकीज, मतलब ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं होती जिंदगी में। एक वर्ड होता है कुकीज, ये कुकीज छोड़ता है सॉफ्टवेयर और उसके दम पे ये सारी चीजें बनती है। तो क्या करूं मैं? अच्छा तो फिर काट दे, हाँ तो काट दे, बोलते उसे रहे। चलो पॉइंट पे समझते हैं, अब समझने वाली बात क्या है। अच्छा कभी सभी के साथ हुआ होगा, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे एडिट टू कार्ट किया, लेकिन जैसे वो खरीदने की इच्छा नहीं, मम्मी ने चिल्ला दिया, फेसबुक पे गए, सेम प्रोडक्ट सामने आ गया। अच्छा आपने अभी और समझना, अगर आपने वो प्रोडक्ट उस समय बाय नहीं किया, 2 मिनट और रुको, थोड़ा नीचे करोगे बोलेगा 5% ऑन अमेजोन प्रोडक्ट। अच्छा अमेजोन से बाय नहीं करना है, एक वेबसाइट है कूपन दुनिया टाइप की कंपनीज है जो कि एडवांस डिस्काउंट देती है, अब क्या करेगा, तीसरी ऐड कूपन दुनिया की, अभी बाय करें अमेजोन पे और पाए आकर्षक ऑफर, इस तरह के वर्ड आते हैं। तो ये सब क्यों होता है? ये सब छोटी बातें हैं, अब ट्रंप पे आते हैं। समझ में आया क्या, ये सब रिलेटेबल हुआ क्या? नहीं हुआ है अगर तुम्हारे साथ तो तुम कूद जाओ यहाँ से, और हुआ है मतलब तुम इंसान हो। अब समझते एक मिनट के लिए ट्रंप पे क्या हुआ। दो तरह के लोग, जिनको ट्रंप पसंद है, जिनको ट्रंप पसंद नहीं है। जिनको ट्रंप पसंद नहीं है उनके सामने फेसबुक ने सिर्फ वो पोस्ट रखी जो ट्रंप की अच्छाइयां है ना, जो ट्रंप की अच्छाइयां है कि ट्रंप ने ये किया, ट्रंप वो कर सकता है, ट्रंप ऐसा कर सकता है, ये सब रखा। और ट्रंप के अगेंस्ट में एक लेडी थी जिसका नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है, हाँ हाँ जो भी थी वो थी ना, ठीक है।
और क्या किया, अब समझ लो इसको, मेरे को ट्रंप पसंद नहीं है, मतलब मेरे को ट्रंप पसंद नहीं है, मतलब मेरे को दूसरी वाली लेडी पसंद होगी जिसको मैं चाहूँगा वो प्रेसिडेंट बने मेरे साथ। अबे गवारो, कभी तो कंटेंट पे ध्यान दो रे जिंदगी में, हो गया अभी समझो, अबे ये गेम समझो, क्योंकि केस चल रहा है इसके पीछे, तुम बेशरम हो, समझो। अब मेरे को क्या है, मेरे को ट्रंप पसंद नहीं है ना, मेरे सामने दो तरह की पोस्ट आ रही है, एक कि ट्रंप अच्छा है, दूसरा वो बुरी है। अब जब मुझे ये पता पड़ गया कि वो बुरी है, क्या मैं उसे वोट दूंगा? नहीं। इसके बारे में छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब जो अच्छा है, जिसको ट्रंप अच्छा लगता है, उसके सामने क्या किया, और ट्रंप की अच्छाई, मतलब उसके सामने तो जो ट्रंप की अच्छाई है करी, क्यों? क्योंकि अगर मुझे ट्रंप अच्छा लगता है, मैं 100 लोगों के सामने बोलूँ ट्रंप अच्छा है, 100 लोगों की रिक्वायरमेंट, 100 लोगों की सोच बदलती नहीं यार, हो सकता है ट्रंप अच्छा हो। एक छोटी सी चीज़, मतलब आप सिर्फ ये सोचो, USA का प्रेसिडेंट कैसे बना, उसका डिसीजन कहाँ पे हुआ, अपने फेसबुक पे। मतलब फेसबुक का इतना बड़ा पकड़, कभी सोच के देखो, अगर एक मिनट के लिए फेसबुक होता ही नहीं तो ट्रंप नहीं जीतता। और अगर ऐसा लग रहा है कि ये मस्ती है, तो गूगल पे जाके कर सकते हो, केस भी चल रहा है, USA में अभी भी केस चालू है। कंसेप्ट क्या है सर, ये जो डाटा का गेम है, यही है पूरी दुनिया, पूरी दुनिया इज ऑल अबाउट डाटा। समझ में आ गया? अब तो समझ में आ गया होगा डाटा, आया अब कंसेप्ट पे। अब सर डाटा कितने प्रकार का होता है, तो डाटा दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। अच्छा कॉपी पेन खोलो जल्दी से, एक काम कर सुन ना भाई, भाई अभी फोन को छोड़ दे, अभी फोन को छोड़ दे, अभी लिख ले, फिर 10-15 मिनट में कर लेना फोन को, तो फिर देखे जाना यार, चार्जिंग पे लगा दूं, आगे भिजवा दो जल्दी से, लिखो वहां पे जल्दी से, टाइप्स ऑफ डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा, पॉइंट 1 प्राइमरी डाटा, पॉइंट 2 सेकेंडरी डाटा। अब इसको समझेंगे अच्छे से, सिर्फ आज की कहानी समझ में आ गई तो स्टैटिस्टिक्स बच्चा है, सब मोमा है। ए भाई फोन जल्दी, हाँ चार्जिंग पे लगाओ, नहीं तो फोन बंद हो जाएगा, बिजनेस ठप करोगे तो। अबे मैं गरीब आदमी, मैं क्या है। चलो लिखो लिखो भाई, गंदी गंदी बातें नहीं। चलो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा लिख दिया क्या? अच्छा वहां पे अब हेडिंग डालो प्राइमरी डाटा, पहले अंग्रेजी में लिखो फिर हिंदी में लिखेंगे, पहले इंग्लिश में लिखो, इट रेफर्स टू द डाटा विच इज, सामने लिखा हुआ वैसे, विच इज कलेक्टेड, ओरिजिनली कलेक्टेड, विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, इट रेफर्स टू द डाटा विच इज originally collected for the first time to investigate अबे गवारो जिसने बोला कि लड़की का फोन आ रहा है, मतलब पूरा नाम पढ़ने नहीं आते क्या? वो आगे लिखा हुआ था नीरज रोरा क्लासेस, कुछ तो भी ज्ञान, इसे गरीब की इज्जत पे अच्छा अच्छा तुम चेक कर रहे थे, तभी मैं समझ गया था, इसलिए मैंने बोला अभी छोड़ दो। चलो लिख लिया क्या? इट रेफर्स टू द डाटा विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू इन्वेस्टिगेट हिमसेल्फ फॉर स्पेसिफिक पर्पस, द सोर्स फ्रॉम द प्राइमरी डाटा कलेक्टेड इज नोन एज प्राइमरी सोर्स, वो डाटा ही है वो, हाँ वो डाटा आर लिखना था, स्पेस बीच में छूट गई, जल्दी से लिख लो। अच्छा लिखा क्या? एक मिनट के लिए सेकेंडरी भी लिखेंगे, फिर कुछ कंपैरिजन लिखने समय उसको समझेंगे, लिख लिया, लिख के एक मिनट में समझा दूंगा मैं, फिर सेकेंडरी डाटा को भी लिख लो एक बार जल्दी से। सुना नहीं?
अरे समझाऊंगा, एक मिनट लिख तो ले भाई। अच्छा अभी तक लिखा नहीं, तेरा ध्यान कहीं और ही है भाई। सेकेंड डाटा, इट इज रेफर टू द डाटा विच इज अभी भी नहीं होगा तो छोड़ देना चाहिए उसको फिर ऐसे तुमसे ना हो पाएगा। जितने लोग इतना धीरे धीरे लिख रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं, आपको लॉ और अकाउंट्स का भी पेपर लिख के देना है। नहीं मतलब ऐसे ऐसे क्या दिमाग में बना लेते हो क्या, मैथ से मतलब लिखना नहीं है? गवार लिखा क्या? अच्छा इसकी रामकथा को समझते हैं। सबसे पहले डाटा तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा सबके दिमाग में, क्योंकि उसमें अगर एक तिनका भी रुका हुआ है तो दिमाग निपटाएगा। अब बात को शुरू करते हैं। सर प्राइमरी डाटा मतलब क्या? देखो बहुत आम भाषा में जो पढ़ा हुआ है उसको लिखा, लिख को एक बार देखेगा क्या लिखा उसको। इट रेफर्स टू द डाटा विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू इन्वेस्टिगेट मतलब होगा फ्रॉम इन्वेस्टिगेट हिमसेल्फ फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ध्यान से समझना, जिसे डाटा चाहिए वो खुद डाटा कलेक्ट कर रहा है पहली बार। मतलब क्या बोला सर? प्राइमरी डाटा मतलब क्या हुआ? जो पहली बार डाटा कलेक्ट किया जाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सेंसस रिपोर्ट समझते हो क्या? सेंसस रिपोर्ट पहले किसी ने निकाली होती है क्या? नहीं। क्या वो इंडिया? अच्छा सेंसस रिपोर्ट मतलब जनगणना, जनगणना ही बोलते हैं ना उसको हिंदी में। हाँ मतलब वो देश की पॉपुलेशन निकालने की जो होती है, 2000 हर 10 साल में होती है, अभी 2021 में होने वाली है। मतलब जिसको नहीं पता हो बता दिया, ठीक है। अब एक बात समझने वाली बात है सर, सही कभी कभी ऐसा लगता है ना कसम से वो बच्चों को नर्सरी में कोई बात नहीं कोई सब मोमाया। चलो आओ पॉइंट पे, कंसेप्ट क्या है? देखो बहुत छोटा सा अरे किसी की बह जाएगी आ जाओ जल्दी से, मतलब पता नहीं फिर ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना, इंसल्ट हो जाए किसी की। चलो आओ पॉइंट पे आएगा, जल्दी से आओ, समझते इस बात को। सर प्राइमरी डाटा मतलब क्या? जो कि पहली बार कलेक्ट किया जाए। अच्छा सेंसस रिपोर्ट क्या पहली बार कलेक्ट होती है? ऑब्वियसली मुझे क्या करना है, मुझे ये जानना है कि भाई यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनको चाय पसंद है कॉफ़ी पसंद है, क्या आज तक किसी ने डाटा निकाला क्या? नहीं। क्या मैं पहली बार निकालने वाला हूँ? हाँ। जो भी डाटा पहली बार कलेक्ट किया जाए उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी डाटा। अच्छा कुछ तरीके भी तो होंगे ना प्राइमरी डाटा निकालने के, क्या हो सकता है? मैं एक एक से जाके पूछूं, पर्सनल इंटरव्यू लूं, मैं एक एक से जाके पूछूं भाई तुमको क्या पसंद है, चाय पसंद है कॉफ़ी पसंद है, पहला पॉइंट। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं? मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, मैंने इससे पूछा, इसने दो लोगों से पूछा, दो लोगों ने दो लोगों से पूछा, ऐसे पूछते पूछते जिसे बोलते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। समझना वापस क्या बोला, मैंने इसको बोला, मैंने बोला तेरे को चाय पसंद है कॉफ़ी पसंद है, इसने मेरे को बता दिया। मैंने बोला एक काम कर, दो लोगों से तू पूछना और मेरे को बता देना, उसने दो से पूछा, दो से पूछते पूछते भी ऐसे बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं। ये भी क्या मतलब ये भी फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट हो रहा है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, ये सब लिखने वाले चिंता मत पालना। ऐसा भी तो हो सकता है तुम सबका फ़ोन नंबर है हमारे पास, अब हमने एक एक को कॉल कर लिया, भाई चाय पियोगे कॉफ़ी पियोगे, तो हमने ऐसे कि मेरे को पता था तुम लोगों में ऐसा कोई होगा ही, तो लोग बता देंगे भाई चाय पसंद है कॉफ़ी पसंद है। तीन मेथड डिस्कस कर चुका हूँ, पर्सनल, इनडायरेक्ट, टेलीफोनिक। अच्छा ऐसा भी तो कर सकता हूँ मेल कर दूँ,
एक को मैं मेल कर दूँ, भाई चाय कॉफ़ी क्या लोगे, ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब पर कंटेंट क्या है, जो हमारा ये प्राइमरी डाटा, इसका मतलब क्या हुआ, जो कि पहली बार कलेक्ट किया जाए। लेकिन सेकेंडरी डाटा का मतलब क्या हुआ, जब सेकेंडरी डाटा समझ में आ जाएगा तो पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। सेकेंडरी डाटा मतलब क्या, जो कलेक्टेड डाटा को रीयूज़ किया जाए। कलेक्टेड डाटा को रीयूज़ किया जाए मतलब क्या, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सेंसस मैंने निकाला है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना 125 करोड़ लोग हैं, मतलब अच्छा एक सेकेंड और इसे इंपॉर्टेंट लेते हैं। पूरे वर्ल्ड को सबसे बड़ा मार्केट जो दिखता है वो है हिंदुस्तान। चाइना में जाके कोई बिजनेस कर नहीं सकता, अमेजोन फ्लिप फ्लॉप हो गया, पता है ये बात, पता नहीं पता है? अमेजोन ने अभी अपना जो ऑपरेशन है वो शुरू किया था चाइना में, चाइना से उसने अपना ऑपरेशन पूरा क्लोज कर दिया इस जून में। क्यों? क्योंकि चाइना में वो वर्क कर ही नहीं पाया। इंडिया में कितना छाप रहा है? अच्छा ओयो, ओयो ओला ये सब लोग इंडिया में कितने बड़े, चाइना में घुस के आप काम कर ही नहीं सकते। चाइना में काम करने के लिए पता है क्या चाहिए? चिल्लड़वारी। मतलब चाइना में क्या होता है, हर एक ऐसा ऐसा गांव होता है, मतलब अभी मेरे कजिन भैया विजिट करके आए, अगर आपको कैलकुलेटर खरीदना है तो आप एक गांव में जाके ही खरीद सकते हो, उस गांव के अलावा कहीं भी कैलकुलेटर बनता ही नहीं है, मतलब दैट इज द चाइना। तो चाइना में जाके बिजनेस तो किया नहीं जा सकता। पूरे वर्ल्ड को सबसे बड़ा मार्केट कौन दिखता है? हिंदुस्तान। क्यों दिखता है? यहाँ पे कितने लोग हैं? 121 करोड़ लोग एज पर 2011। ये लाइन में कैसे बोल रहा हूँ, ये लाइन में बोल पा रहा हूँ सेंसस के कारण। दूसरी लाइन में बोलने जा रहा हूँ, अपने देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। क्या मैंने एक एक से जाके पूछा क्या तुम्हारे पास जॉब है या नहीं है? किसने निकाला? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उसने अपना डाटा निकाला, उसका डाटा मैंने ले लिया, मैंने उसके डाटा को रीयूज़ किया। अच्छा मुझे एक बात समझना, आप बहुत अच्छे समझना इस बात को, कुछ क्लॉज है यहाँ पे जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात, प्राइमरी डाटा मतलब जिसे पहली बार कलेक्ट किया जाए, सेकेंडरी डाटा मतलब जो कलेक्टेड डाटा को रीयूज़ किया जाए। अच्छा कलेक्टेड डाटा, मेरे पास व्हाट्सएप पर सुबह सुबह मैसेज आया कि भाई अमिताभ बच्चन जी का स्वर्गवास हो गया है, बोलो सही है क्या? नहीं। क्यों सर? कुछ ऑफिशियल सोर्सेस को ही आपको मानना पड़ेगा। अगर व्हाट्सएप की मानने चले जाएँ तो हर तीसरे दिन कोई ना कोई तो मतलब हर तीसरे दिन कोई ना कोई ऊपर जाएगा, मतलब अरे कुछ भी, मतलब व्हाट्सएप, मतलब मेरे पास क्या होता है, कुछ वीडियोस आ भी जाती है ना कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ, मेरे को पहले ऐसा लगता है पहले गूगल करूँ, नहीं ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि व्हाट्सएप में तो हर दूसरे दिन कुछ अफवाह फैलती है। अब व्हाट्सएप का जो डाटा है, क्या आपने जाके कलेक्ट किया क्या? नहीं। कलेक्टेड डाटा को रीयूज़ करना है, पर अब हर कलेक्टेड डाटा को आप रीयूज़ नहीं कर सकते, देर आर सम ऑफिशियल वेज। समझना, क्या इंडियन गैजेट जो एक पेपर होता है, भारत का संविधान ऐसा करके एक पेपर आता है, इंडियन गैजेट जिसे कहा जाता है, उसमें कोई न्यूज़ आए तो उसे सही मानेंगे? ऑब्वियसली। अगर हमारा कोई RBI कोई न्यूज़ डालेगा तो उसको हम लोग सही मानेंगे? या फिर NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हमारा कोई सेंसस, इस तरह की कोई भी रिपोर्ट जो हमारे ऑफिशियल ऑथोराइज लोग हैं अगर वो ही देंगे तो ही हम मानेंगे? इसके अलावा क्या हम लोग मानेंगे क्या? नहीं। मगर एक और सोर्स होता है जिसे कहा जाता है अनपब्लिश्ड सोर्स। क्या बोलते हैं? अनपब्लिश्ड सोर्स। सर ये अनपब्लिश्ड सोर्स क्या होता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबने राजी पिक्चर देखी है, आलिया भट्ट देखा है? अब आलिया भट्ट का जो रोल है क्या वो कहीं पेपर में छपा था क्या तब? नहीं। अच्छा सबने वो देखी होगी पोखरण, बहुत ही प्यारी पिक्चर, मतलब बहुत खूबसूरत पिक्चर है। उसमें जो अभी भाई का रोल था अपने जॉन ब्रेम का, क्या वो पब्लिश डाटा था क्या? नहीं। उसको बहुत बार बोला गया था ना तेरा नाम आएगा, और पैसा तो भाई मैटर ही नहीं करता है इन लोगों के लिए। इससे बड़ी बात लेते हैं, अभी अपन लोग यहाँ बैठे हैं, अपने अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ में अपने देश के जासूस होते हैं, जो अपने पास रॉ है, भाई ISI रॉ, ये कुछ खुफिया एजेंसीज होती है जिनके पर्सन्स हर कंट्री में होते हैं। अब इन लोगों के जो लोग होते हैं, क्या इन लोगों का आपको नाम पता है क्या? सिर्फ एक चीज़ सोचना, मतलब बियॉन्ड एक इंसान क्या क्या कर सकता है। पुलिस वाला अगर गलती से शहीद होता है तो आपको पता होगा, आर्मी वाला शहीद होता है तो आपको पता होगा, इन लोगों को किस प्रकार की मौत मिलती है ना, बॉस आप दिमाग में सोच भी नहीं सकते हो। मतलब एक किस्सा मैंने पढ़ा था जिसमें, मतलब जो हुआ आई कैंट इवन से, मतलब इतना वो बहुत गंदा मारते हैं, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं। सरबजीत अगर पिक्चर देखी हो कि वो छोटा छोटा सा ऐसे गड्ढा खोद के रखा, इसमें डाल देते हैं पानी, डाल देते हैं और उसमें चूहे पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। हाँ तो दिस इज़ द ट्रुथ। अब एक बात समझो, इसको बोलते हैं अनपब्लिश डाटा। मतलब एक बात तो सत्य है, अपन अपनी आर्मी के दम पे हैं, नो डाउट, आई रिस्पेक्ट देम अलॉट, मतलब मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट आर्मी की है, मगर अगर ये जो सोर्सेस हैं, तुम सोचो ना तो उनका ज़िंदगी में कभी नाम आएगा,
और उस इंसान के लिए पैसा मैटर ही नहीं करता बॉस. मतलब जो इंसान को ये पता है कि अच्छा अभी कोई इंसान अमेरिका पाकिस्तान में बैठा हुआ है, ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, अजीत डोभाल का नाम सुना होगा सबने. अजीत डोभाल अपने जो वो है क्या वर्ड मुझे नहीं पता, मतलब वो जो गाइडेंस करते हैं अपने आर्मी को, हाँ एनएसए सिक्योरिटी एडवाइस, सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोभाल. वो खुद अजीत डोभाल जी 7 साल तक पाकिस्तान में रहे एज अ पाकिस्तानी बन के. अब तुम एक चीज़ सोचो, गलती से अगर पाकिस्तान को पता पड़ जाता ना कि हिंदुस्तानी और ये जासूस है, भाई इतना मारते, मतलब मरने नहीं देते, मारते फिर ठीक करते फिर मारते, मतलब दैट इज़ द रूटीन. अपन कितना भी इसको हंसी में ले ले, बट ट्रस्ट मी वन थिंग बॉस, ये चीज़ ना पैसे के लिए कोई नहीं कर सकता. मतलब एक बार एक एक्टर ने बोल दिया था कि पैसा मिलता है इसलिए जाते हैं. मतलब तुम सोच के देखो, तुम मरे तो तुमको ना अपनी मिट्टी नसीब होने वाली है, तुमको घर भी तुम्हारा नसीब नहीं होगा, ना लास्ट टाइम तुमको तुम्हारे घर वाले देख पाएंगे, और तुम क्या काम करते हो अपने घर वालों को नहीं बता सकते हो, दैट इज़ द रूल. तो कंसेप्ट क्या है, क्या हर डाटा जो है वो पब्लिश सोर्सेज में माना जाता है क्या? नहीं, एक और डाटा होता है जिसे कहते हैं अनपब्लिश सोर्स. ये अनपब्लिश सोर्स में किन का डिस्कशन है? ये जितनी भी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी, अच्छा ये सब बातें भी अपन क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग सही सलामत आ गए. अजीत डोभाल सर सही सलामत 7 साल बाद वापस आ गए, इसलिए अपने को पता है. क्या अजीत डोभाल सर अकेले थे क्या जो गए थे? हज़ारों लोग जाते हैं, कितने लोग आते होंगे? थोड़े बहुत. और जो लोग पकड़े जाते होंगे उनका क्या? मतलब ये सब डाटा है, खैर अब अदर दिन दैट थोड़ा सा सीरियस हो जाता है इसमें मैटर, पर समझ वाली आती क्या? इतना ज्ञान समझ में आएगा. अब एक काम करो, कॉपी पेन खोलो. अब वहाँ पे कुछ शिद्दत से अपन लोग लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे जल्दी से. पर उससे पहले मैं एक क्वेश्चन सबसे पूछना चाहूँगा, प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा लिख दो भाई. ये PDSD कोई नहीं लिखेगा, सब लोग प्राइमरी डाटा इज्जत से लिखेंगे, सेकेंडरी डाटा इज्जत से लिखेंगे, और जो नहीं लिखेगा अटेम्प्ट. मतलब अब तो सब साथ में बोल रहे हैं. अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे को एक चीज़ जाननी है, बताओ प्राइमरी डाटा अच्छा या सेकेंडरी डाटा अच्छा? प्राइमरी डाटा अच्छा, मगर दैट डिपेंड्स. अब एक बात सोचो, मेरे पास पैसा है ही नहीं, मैं तो गरीब आदमी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे को पूरे इंडिया में 121 करोड़ लोगों से ये पूछना है कि तुम्हें चाय पसंद है कॉफ़ी पसंद है, क्या हो सकता है क्या? नहीं. क्यों? अबे पैसा भी तो लगेगा क्या? एक अच्छा ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं अपना बोरिया बिस्तर लेके चलेंगे, अपन सबसे पूछेंगे चाय कॉफ़ी, ऐसा तो हो नहीं सकता. ऑब्वियसली बात है, मुझे कुछ लोग अपॉइंट करने होंगे. अब वो जो लोग अपॉइंट करूंगा, क्या उन अपॉइंटेड लोगों को पैसा देना पड़ेगा? अच्छा सिर्फ पैसा थोड़े लगेगा. अच्छा चलो एक और चीज़ समझते हैं, पैसा लगेगा समझ में आएगा. अब मैं अंबानी हूँ, एक मिनट के लिए, मेरा पैसा तो बहुत है अपने पास, पैसा मतलब चिंता नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ आज रात को, अभी हुई है 4:15, मतलब 4:45 हुई है, ठीक है, मैं बोलता हूँ 8 बजे तक मैं चाहता हूँ पूरे इंडिया से जाके पूछ के हो तुमको चाय पसंद है कॉफ़ी पसंद है, हो सकता है क्या? नहीं सर, टाइम की ज़रूरत है, पैसे, अच्छा पैसे की ज़रूरत है क्या? टाइम की ज़रूरत नहीं क्या? ऑब्वियसली बात है आपको टाइम भी ज़रूरत है. इसको क्या बोलते हैं? डिपेंड ऑन रिसोर्सेस. इसको लिखेंगे नहीं, बस समझने वाली बात है, लिख भी लेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा ये बाद में लिखेंगे अपन, ये दोनों पॉइंट्स लिखने के बाद अपन लिखेंगे इसको. मुझे बताओ कौन सा डाटा अच्छा है? ये क्या सिर्फ और सिर्फ टाइम या पैसा डिसाइड करता है क्या? नहीं, उसके बाद भी तो मल्टीपल चीज़ें हैं. अच्छा मैं ये पूछता हूँ 121 करोड़ लोगों से जाके ये पूछूँ, क्या आपने किटेस्ट का नाम सुना है? तो बताओ हो सकता है क्या? अरे किटेस्ट एक ज़रा सी CA फील्ड से रिलेटेड कंपनी है, क्या बाकी लोगों ने किटेस्ट का नाम सुना होगा क्या? नहीं. मतलब अपने को हर एक चीज़ को कंपेयर करना होता है. अब ये जो चीज़ लिखने वाले इनको ध्यान से लिखना, लिखो PD में फर्स्ट पॉइंट, प्राइम डाटा में फर्स्ट पॉइंट लिखो, जिसे चाहिए वही कलेक्ट करता है. हाँ हिंदी में बोला, ऐसे मत देखो, जिसे डाटा चाहिए वही कलेक्ट करता है. अंग्रेजों के लिए भी लाइन लेके आएंगे, चिंता मत पालो. जिसे डाटा चाहिए वही कलेक्ट करता है, मतलब समझने वाली बात क्या है? जिसको भी डाटा चाहिए वो खुद अभी ऐसा लग रहा होगा, सर आप तो हिंदी में लिखा रहे हो, नहीं गलत बात है, पर ये एग्ज़ाम वाले दिन आपको ऐसा लगेगा यही सबसे, क्योंकि कुछ भी बोलो अपने दिमाग में, हिंदी थोड़ा जल्दी जाती है, इंग्लिश थोड़ा देर से जाती है, यही रीज़न है. पढ़ के अपन कितना भी चले जाओ लेकिन हिंदी एक बार दिमाग में घुस जाती है. अब ऐसा सबके साथ होता है क्या?
नहीं होता है तो इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश में लिखना है। अरे हाँ या ना बोलो ना, आते हिंदी ज़्यादा अच्छे से घुसती दिमाग में। हाँ नहीं भी बोलते तो भी मैं लिखवाता, क्योंकि पेंड्राइव वाले भी तो थे ना। चलो लिखो, सेकेंडरी में एक पॉइंट लिखो, चाहिए किसी और को, इस्तेमाल कोई और करेगा। कसम से रे तुम लोगों का दिमाग, मतलब अवार्ड देना चाहिए। क्या था इसमें? मतलब नहीं, वो मैं तुम्हारी हंसी से समझ गया था। अरे तो तुम्हारी ऐसे तो मैं भी गुजरा हूं ना, ऐसा थोड़ी ना। चलो लिख लिया क्या? आज लिखो, चाहिए किसी और को, इस्तेमाल कोई और करता है। लिखो, चाहिए किसी और को और करता है, और एक थोड़ा अच्छे से, और कलेक्ट कोई और करता है। इसे एक्चुअली वैसे भी कहा जा सकता है कि कलेक्ट कोई और करता है एंड यूज कोई और करता है। अरे बेशर्मो, मैं तो कुछ और सोच रहा था। तू बहुत ज्यादा समझ रहा है। चलो बड़े बेशर्म हो। समझने वाली बात क्या है? अच्छा चलो, प्राइमरी डाटा का मतलब क्या हुआ भाई? जिसको चाहिए वो खुद कलेक्ट करेगा। लेकिन सेकेंडरी का मतलब क्या है भाई? किसी और ने कलेक्ट करके रखा है लेकिन यूज कोई और करने वाला है। समझना इस बात को। मेरी एक वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट के लिए मैंने एक डाटा कलेक्ट किया, जिस डाटा में मैंने लोगों से पूछा, आप लोगों को लाइव पढ़ना पसंद है या वर्चुअल में पढ़ना पसंद है या फिर पेनड्राइव में पढ़ना पसंद है। अब सुनना, मैंने मेरी कंपनी के अंदर क्या, एक एक बच्चे से मैंने सारे बच्चों को मेल कर दिया कि भाई आपको क्या पसंद है, पेनड्राइव, वर्चुअल या फिर लाइव। अब ये मेरे पास डाटा आया, इस डाटा को मैंने मेरी वेबसाइट पर चढ़ा दिया। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, मेरी वेबसाइट से मेरा कॉम्पिटिटर आके भी उस डाटा को पता कर लेगा, हाँ या ना? ऑब्वियसली बात है, मैंने अगर अपनी वेबसाइट पे डाला है मतलब मैंने वो डाटा निकाला है, और अगर वो डाटा मैंने निकाला है मतलब वो मेरे लिए रिलेवेंट होगा और मेरा कॉम्पिटिटर उसको यूज़ कर सकता है। मैंने जो निकाला उसे प्राइमरी बोलेंगे, मेरा कॉम्पिटिटर जो यूज़ करेगा उसे सेकेंडरी बोलेंगे। मगर एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, समझना इस बात को। मैंने क्या पूछा भाई? अच्छा एक और चीज़ समझते हैं, मैंने वर्चुअल हटा दिया, मैंने सिर्फ दो, देखो मेरे को ना वर्चुअल मॉडल कभी समझ में ही नहीं आया। मैंने सारे बच्चों से क्या पूछा, सिर्फ दो क्वेश्चन पूछे, आपको फेस टू फेस पढ़ना पसंद है या फिर आपको पेन ड्राइव में पढ़ना पसंद है? क्या पूछा, फेस टू फेस या फिर पेन ड्राइव? मैंने इस डाटा को अपने वेबसाइट पे डाला, कैसे डाला ध्यान से सुनना, मैंने डाला 40% जो स्टूडेंट है उनको फेस टू फेस पसंद है और 60% स्टूडेंट जो है उनको पेन ड्राइव पसंद है। अब मेरा कॉम्पिटिटर आया, उसने मेरी वेबसाइट पे आके देखा, बोले यार 40% लोगों को फेस टू फेस पसंद है, 60% लोगों को पेन ड्राइव पसंद है। यहाँ पे एक चीज़ समझना, हो सकता है जो डाटा को यूज़ करने वाला हो उसका बिजनेस जो है वो वर्चुअल का भी हो। अब इस चीज़ को समझने के लिए 2 मिनट दिमाग लगेंगे या फिर नाम बदल दें क्या? 1 मिनट में नाम बदल देते हैं इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करके, फिर अपन एक बार पेप्सी, कोको कोला और थम्सअप पे भी आ जाएंगे, तीनों कंपनियाँ बहुत अच्छा। चलो समझते इस बात को। सर मैंने किन दो चीज़ों का डाटा निकाला, पेन ड्राइव और फेस टू फेस, और मेरे जो कंप्यूटर है उसे वर्चुअल भी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, जो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करता है उसके लिए वो डाटा 100% रिलेवेंट होता है। क्या बोला मैंने? जो डाटा कलेक्ट करता है उसके लिए डाटा 100% रिलेवेंट होता है। क्यों? अरे भाई मैंने ही तो कलेक्ट किया है, जो जो क्वेश्चन पूछने मैं सारे क्वेश्चन पूछ लूंगा। लेकिन जो मेरा कंप्यूटर है वो तो कलेक्टेड डाटा को रीयूज करने वाला है, तो हो सकता है कि वो वर्चुअल भी पूछना चाहता हो, मगर क्या वर्चुअल का उसको ऑप्शन मिला क्या? नहीं। अब इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्वेश्चनियर्स। क्या बोलते हैं? क्वेश्चनियर्स। क्वेश्चनियर्स मतलब अच्छा जो अच्छा, अब डाटा कलेक्ट करने जाओगे तो कुछ क्वेश्चन पूछोगे कि नहीं पूछोगे? एक और चीज समझते हैं। अभी एक चीज़ कभी देखना जिंदगी में, मैंने जब अभी कभी भी अगर कभी भी किसी भी इंडिया की वेबसाइट पे जाओगे ना, मतलब कहीं भी सी रिलेटेड वेबसाइट पे, एक अपनी वेबसाइट है जिस पे मैंने एक ऑप्शन जोड़ के रखा है डेट ऑफ बर्थ का, बाकी जो भी मेरे कॉम्पिटिटर्स है उस किसी भी वेबसाइट पे ये कॉलम नहीं होता डेट ऑफ बर्थ का। आप समझना इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत ही छोटा सा पॉइंट लगेगा सुनने को समझने को, मगर ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। समझना,
सर मैं मुझे डाटा कलेक्ट करना था बच्चों का, लोग क्या पूछते हैं, नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एंड वगैरह वगैरह, लेकिन मेरी वेबसाइट पे मैं एक और चीज़ पूछता हूँ, क्या, डेट ऑफ बर्थ। अब ये डाटा मैंने कलेक्ट नहीं किया, किसी ने डाटा कलेक्ट करके रखा था, क्या उसकी वेबसाइट में डेट ऑफ बर्थ का कोई कॉलम है क्या? नहीं। अब समझना, वापस बोलता हूँ इस बात को, मैंने खुद ने डाटा कलेक्ट नहीं किया, किसी और वेबसाइट पे डाटा कलेक्टेड करके रखा था। उस बंदे ने क्या क्या डाटा कलेक्ट किया है, उससे नाम पूछा, ईमेल आईडी पूछा, फ़ोन नंबर पूछा, एड्रेस पूछा, सब पूछा, उसका डाटा सही है, लेकिन क्या मुझे मेरी वेबसाइट के लिए डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए थी? हाँ। क्या मुझे डेट ऑफ बर्थ मिल पाएगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये जो क्वेश्चंस हैं ये किसके लिए ज़्यादा रिलेवेंट होंगे? प्राइमरी डाटा के लिए, क्योंकि सेकेंडरी डाटा वाला तो सर बने हुए डाटा को रीयूज़ करने वाला है। बोलो समझ में आया क्या? एक बार, एक और बार ये बात बोलता हूँ, छोटा सा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है सर। इसका कहने का मतलब क्या है, विच डाटा इज मोस्ट रिलेवेंट? प्राइमरी डाटा। एंड विच डाटा इज 100% एक्यूरेट? प्राइमरी डाटा। क्यों सर? इसने अपने सारे के सारे डाटा निकाले, ये जो अपना भाई है, जो मेरा कॉम्पिटिटर है, इसने पूरा का पूरा डाटा निकाला, मैंने मान लिया, लेकिन फिर भी मेरे लिए डाटा 90% एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि 10% मैं माइनस करूंगा किसके? डेट ऑफ बर्थ के। बोलो ये मेरे लिए कितने परसेंट डाटा रिलेवेंट हुआ? 90%। मगर अगर मैं ये डाटा निकालता तो क्या 100% रिलेवेंट होता क्या? हाँ। तो मतलब सर अगर मैं ये बात बोलूं कि जो भी इंसान प्राइमरी डाटा निकालता है उसके लिए वो डाटा 100% रिलेवेंट होता है, लेकिन अगर आप बने हुए डाटा को रीयूज करते हो तो वो आपके लिए 100% रिलेवेंट नहीं होता है। बोलो समझ में आती क्या? देखो ये अकेला चैप्टर है जिसको मैं बहुत डीप में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर, मतलब इट इज़ वन थिंग, इसी के ऊपर पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स बना है। और एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जितने लोगों ने 11, 12 या जब भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है उन्होंने ये तो पढ़ लिया कि उसको स्टेटस, स्टैटिस्टिक यू ये सब बोलते हैं, मगर उसकी उतनी इंपॉर्टेंस कभी नहीं समझ पाए। आधे से ज़्यादा लोगों को स्टैटिस्टिक्स बोरिंग लगता है, और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये टॉपिक बोरिंग कैसे हो सकता है, बिकॉज अगर ज़िंदगी में कभी भी मार्केटिंग, शेयर मार्केट या इन सब चीज़ों में उतरना है ना, तो बिना स्टैटिस्टिक्स के आप उतर ही नहीं सकते हो। तो मतलब स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, मगर कंसेप्ट क्या है, लोगों को ये बोरिंग लगता है, क्योंकि आज तक आपने इस चीज़ को उतना डेप्थ में जाके कभी सोचा ही नहीं ना। मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के दम पे यूएसए का प्रेसिडेंट बदल सकता है, इंडिया में भी होता है, पर बोलेंगे नहीं अपन, किसी को कुछ बताना नहीं है, अपने बीच की बात है। तो हर जगह ये चीज़ें होती है मगर कोई बोलता नहीं है, क्योंकि डाटा एक प्राइवेट चीज़ है। कोई डाटा खरीदता है, कोई डाटा बेचता है, किसी को बताता तो नहीं, क्योंकि अगर पता पड़ गया तो केस ठुक जाएगा, बिकॉज ये लॉ है कि आप किसी का भी डाटा रीयूज नहीं कर सकते। कंसेप्ट क्या है, इतना बहुत बड़ा है ये डाटा का कंसेप्ट। चलो पॉइंट पे आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अब ये से बातें बोलता हूँ कि भैया प्राइमरी डाटा इज मोर रिलेवेंट एंड सेकेंडरी डाटा इज लेस रिलेवेंट, समझ में आती क्या ये बातें? चलो हिंदी में क्या क्या लिखा, एक एक लाइन लिख ली क्या? अरे लिख ली क्या सबने? अब वहाँ पे सेकेंड लाइन लिखो इंग्लिश में अंग्रेजों के लिए। प्राइमरी डाटा लिखना है, सभी को लिखना है। सेकेंड पॉइंट, प्राइमरी डाटा इज ओरिजिनल डाटा एंड प्राइमरी डाटा इज ओरिजिनल डाटा एंड कलेक्टेड बाय फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेस्टिगेटर। प्राइमरी डाटा इज ओरिजिनल डाटा, यहाँ पे वो चीज़ नहीं लिखी हुई, अलग चीज़ बोल रहा हूँ। प्राइमरी डाटा इज ओरिजिनल डाटा विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेस्टिगेटर। प्राइमरी डाटा इज ओरिजिनल डाटा, प्राइमरी डाटा इज, बोलो ना क्या बोला मैंने, ओरिजिनल डाटा कलेक्टेड बाय फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेस्टिगेटर। आई वासन में सेकेंडरी डाटा क्या ओरिजिनल डाटा है क्या? नहीं, लिखो सेकेंडरी डाटा इज एन ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा, और सेकेंडरी डाटा इज एन ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा और कंपनसेशन, और कंपनसेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। सेकेंडरी क्या होता है? जो पहले डाटा कलेक्टेड है, कंपनसेशन ऑफ
एग्जिस्टिंग डाटा, मतलब क्या इसको आप कलेक्ट करने जाने वाले हो क्या? नहीं भाई, ये तो कलेक्ट करके रख दिया है. अच्छा ये बस समझ में आ गई, लिखो थर्ड पॉइंट लिखो, कलेक्टेड बाय, एक और बार लिखवा रहा हूँ ताकि दिमाग में घुस जाए, कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ. ऊपर भी लिखवाया नीचे भी लिखवाया, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है. कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ. सेकेंडरी में लिखना कलेक्टेड बाय अदर देन हु रिक्वायर्स, कलेक्टेड बाय अदर देन हु रिक्वायर्स, कलेक्टेड बाय अदर देन हु रिक्वायर्स, मतलब कलेक्ट किसी और ने किया है और यूज कोई और करेगा. लिखो फोर्थ पॉइंट, इट इज यूजुअली सुटेबल फॉर पर्पस ऑफ इंक्वायरी, इट इज यूजुअली सुटेबल फॉर पर्पस ऑफ इंक्वायरीज, मतलब क्या क्वेश्चनियर्स. इट इज यूजुअली सुटेबल फॉर पर्पस ऑफ इंक्वायरी एंड मोर रिलेटिव. बस इसमें लिखो सेकेंडरी में, इट कैन बी यूज्ड बट नॉट 100% रिलेटेबल. इट कैन बी यूज्ड बट नॉट 100% रिलेटेबल. 100% रिलेटेबल रहेगा क्या? नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो, अरे भाई मैं इंसान बदल गया तो चॉइस तो बदल ही जाएगी. चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्राइम डाटा में इट इज टाइम कंज्यूमिंग कॉमा कॉस्टली, इट इज टाइम कंज्यूमिंग कॉमा कॉस्टली एंड डिपेंड ऑन वेरियस रिसोर्सेस. It is time consuming, comma costly and depend on various resources. अच्छा मुझे एक बात बताओ, सारी चीज़ों पर मैटर करता है, पैसा भी होना चाहिए, टाइम भी होना चाहिए, उतना रिसोर्सेज भी होनी चाहिए, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या गूगल पर सर्च करने में टाइम लगता है क्या? नहीं. पैसा लगता है क्या? नहीं. लिखो सेकेंडरी में, इट इज लेस कॉस्टली, इट इज लेस कॉस्टली. बस टाइम का क्या लिखोगे कि टाइम के लिए रिलेटेबल नहीं, इट इज लेस कॉस्टली लिख दो बस. लिखो लास्ट पॉइंट लिखो, देयर इज पर इसमें प्राइमरी डाटा में, ये वैसे दोनों में एक ही पॉइंट है, दोनों का एक ही पॉइंट है ये, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायसनेस इन इट्स कलेक्शन. ये दोनों का एक्चुअली एक ही पॉइंट है, पर्सनल बायसनेस. मतलब समझाऊंगा, एक बार लिख लो पहले फिर समझते हैं. देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायसनेस इन इट्स कलेक्शन. समझना इस बात को, लिख लिया क्या? सर इसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई एक चीज समझने वाली बात है, मुझे डेट ऑफ बर्थ पूछनी है, इसको डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछनी है. क्या हम दोनों की चॉइस अलग अलग है? ऑब्वियसली बात है, मुझे ये लोगों से पूछना है कि भाई तेको कॉफी पसंद है या चाय पसंद है, इसको ये पूछना है आपको ब्लैक कॉफी पसंद है या फिर ग्रीन टी पसंद है. है तो कॉफी टी, मगर पर्सनल बायसनेस तो बदल रही कि नहीं बदल रही. पर्सनल बायसनेस मतलब हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी सोच होती है, उस सोच के. अच्छा प्राइमरी डाटा जो कलेक्ट करेगा वो अपने दिमाग के हिसाब से करेगा, अपने क्वेश्चनर रेडी करेगा, मगर जो सेकेंडरी डाटा वाला है क्या उसके पास अपने ऑप्शन बनाने के चांस होगा क्या? नहीं. अरे भाई तू तो ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा को रीयूज करने वाला है जो डाटा कलेक्ट हो चुका है. अब उस डाटा जो कलेक्ट हो चुका है उसमें तो तुम कीड़ा कर ही नहीं सकते हो. बोलो समझ में आती कहती बात? इतना समझ में आया क्या? क्योंकि अरे आया कि नहीं आया? देखो दो तीन चीज़ें दे दो, थोड़ा सा क्या है, हाँ ना बोलते हो तो समझ में आता है कि आया कि नहीं. इतने ज्ञान समझ में आया क्या? अभी इतनी सी चीज़ रखना, आज घर पे जाके इतने पूरे के पूरे चीज़ को रिवाइज कर लेना. इसके साथ देखो एक ही चीज़ बोलता हूँ भाई, कर लेना बंद, एक मिनट में कर लेना बंद, कोई जल्दी नहीं. पॉइंट क्या है? बहुत छोटा सा दिमाग में है, अगर स्टैटिस्टिक्स को रोज़ रोज़ टाइमली रिवाइज नहीं किया तो ये जिंदगी में जिंदगी भर धोखा देगा.
और एक और बात है, स्टैटिस्टिक्स में मैं बहुत सारी चीज़ें बार बार लिखवाऊंगा, लाइक अभी तक तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे भी कुछ चीज़ लिखेंगे, वही चीज़ बार बार मैं आप लोगों को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी लिखवाऊंगा। रीज़न बिहाइंड इट क्या होता है, एक चीज़ समझने वाली बहुत छोटी सी बात है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना उसी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। और अगर एक ही पॉइंट को आपने 3-4 बार अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह लिख दिया, जिन जिन टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो फिर आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ वो क्वेश्चन को छोड़ना या वो क्वेश्चन को गलत करने की बहुत कम हो जाएगी। आती कहती बात समझ में? चलो, अरे हाय ना बोल दिया करो, पक्का। चलो आज की बात को यहीं ख़त्म करते हैं, बट इतनी चीज़ याद रखना, रिवाइज प्रॉपरली करना। चलो बाय।